बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्रीकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और श्याम अगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ। ये खूबसूरत सी रात अता की गई है हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। दुरूद पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आज के जो प्रोग्राम है ये आप लोग देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि आज ये प्रोग्राम हम बेसिकली रिपीट थोड़ा सा आपको करके बताएंगे, क्योंकि तकरीबन 4 बरस पहले हमने यही शो किया था जो काफ़ी सारे लोगों ने देखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि जी हमें जो न्यूमरोलॉजी है, जिसको नॉर्मली आप न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग अददों की हुकूमत जानते हैं, इल्मुलादा दिया बेसिकली इल्म जफ़र, इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब जो इल्म है उसकी आगे शाख है, इल्म जफ़र ही की शाख है इल्मुलादाद, और फिर न्यूमरोलॉजी की उन्होंने बड़ा पॉलिश करके इसको सामने लेकर आए। तो आज आपको थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन देनी है वो ये है कि एक होता है सितारा, जिससे आप किसी को समझने की कोशिश करते हो कि इसकी लाइफ लाइन कैसी होगी, इसकी ज़िंदगी कैसी है, इसको हम लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। और एक होती है ज़िंदगी की वो कहानी जो आपको कोई सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताता है, मतलब कि जी हम तो 23 तारीख को पैदा हुए, वो किसी भी महीने की 23 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी ने कहा हम तो 10 तारीख को पैदा हुए, वो किसी भी महीने की 10 तारीख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूं, फिर उसके बाद आप किसी भी शख्स को बड़ी आसानी से समझ लोगे। यानी पूरी दुनिया जो निज़ाम चल रहा है ये 9 अददों पे चल रहा है, यानी 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट हैं इसी के ऊपर पूरी बेस है। अब आप कहेंगे कि जी हमारी जिंदगी कैसे 1 से हो सकती है, हमारी तो डेट ऑफ बर्थ 11 है, 16 है, वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा मतलब शांति, हौसला और तवज्जो आपकी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा है क्या, जैसे मतलब 1 है, डेट ऑफ बर्थ है, जैसे हम कहेंगे कि अदद 1, तो हम दिखाएंगे कि अदद 1 के साथ कौन कौन अदद 1 है। यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10 है किसी भी महीने की, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 अप्रैल, कोई भी, वो भी एक अदद है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19 है उसका अदद भी एक है। समझ आ रही है आपको? इस तरह हमने आपको बताना है, जिसका 28 है उसका भी एक है। तो जो जो इन तारीखों में पैदा हुए वो अपने इस नंबर को देखें, और जो आपके प्यारे इन तारीखों में पैदा हुए उनकी पर्सनैलिटी से आशनाई होगी आपकी, आप जान पाओगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये कैसे तरीकाकार है। सबसे पहले मैं इल्म जफर, जो इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम की सीना बसीना, उनके शागिर्दों तक इल्म आया, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए कि मतलब ये पूरी दुनिया में ये अदद जो हैं, ये जो डिजिट हैं, अच्छा ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भी इसी पे बेस्ड है, ये 7 प्लैनेट 7 क्यों हैं, बेसिकली तो बेशुमार है लेकिन ये 7 ही प्लैनेट हमारे ऊपर क्यों असर कर रहे हैं, ये 7 जमीनें क्यों हैं, ये 7 आसमान क्यों हैं, ये डिजिट की क्या जरूरत थी। अगर हम ABC पढ़ रहे हैं या अलिफ बे पढ़ रहे हैं या आ वा पढ़ रहे हैं जो हिंदी में होता है, तो वो ABC भी तो हो सकती थी। मतलब आपकी XYZ कितनी है, यानी आपकी लाइफ कितनी है, आपकी पी कितनी है, यानी आपकी पहाड़ कितनी है, यह भी हो सकता नहीं होता है, डिजिट के ऊपर ही चल रहा है। और जब से ये कायनात बनी, आपको पता है ना, कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है, चाहे वो डार्क वेब में चले जाओ, कहीं भी चले, जो कंप्यूटर है इसकी बेस 0-1 है। कायनात जो पूरी तखलीक हुई और आज तक पूरे कायनात में जो साइंसी करिश्मे हो रहे हैं ये भी 0 और 1 के ऊपर बेस कर रहे हैं। डिजिट, अच्छा 0 यहां तो काउंट होता है लेकिन हमारी आम जिंदगियों में नहीं होता, वो अदद 1 से शुरू होता है, क्योंकि जो 0 है वो एक नंबर है, वो जिसके आगे लगे उसको बहुत आगे लगा देगा, जिसके पीछे लगे उसका फायदा नहीं है। लेकिन नंबर 0 बहुत सारे बुजुर्ग या फकीर कहते हैं कि ये रब के नंबरों में से एक नंबर है, एक नंबर है कि रब ने ये नंबर भी अपने पास रखा है कि 0 मेरे पास, मैं जिसके आगे लग जाऊं उसको बहुत दूर तक पहुंच जाऊंगा। खैर, तो आज जो भी साइंस में करिश्मे हो रहे हैं या तबाहियां हो रही हैं, ये डिजिटस मतलब डिजिट जो अदद हैं इन नंबर्स की वजह से हो रही है। और मतलब अब तक हमारा जो दिमाग है इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, हजारों साल हो चुके हैं, किस्मत इसके ऊपर पूरी, आप देख लो गैम्बलिंग कर रहे हैं लोग,
प्राइस बॉन्ड खरीद रहे हैं वो नंबर के ऊपर गेम करती है, आपका जो सेल नंबर है वो नंबर के ऊपर गेम करती है, वो ABC NYZ भी तो हो सकता था, कुछ भी, जब नंबर हो सकता है तो ABC को भी आगे पीछे करके किया जा सकता था, नहीं, क्योंकि नंबर्स ही से वो सिलसिला चलता है। हमारे महीने में 28 दिन हैं, 30 दिन हैं, 31 दिन हैं, वो भी चल रहे हैं, हफ्ते में 7 दिन हैं, हमारी जिंदगी में जो भी कोई आलात आते हैं या हालात आते हैं वो भी पूरा का पूरा नंबर्स पे ही बेस कर रहा है। सो 1 से 9 तक के जो नंबर है, 7 नंबर जिसको लकी 7 आपने हर कौम की जबान से सुना, ईथन में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, लकी 7 को ही माना जाता है। लकी 7 मतलब जिनकी तारीख पैदाइश 7 है वो जरूरी नहीं है, मतलब वो आगे भी बताएंगे, लेकिन नंबर 7 को क्यों लकी माना जाता है, खुदा की ताकत इसके अंदर छुपी है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है। 7 7 आसमान बनाए, 7 जमीन, कोई हिकमत जरूर होगी। हिंदू जितने हमारे बहन भाई हैं वो 7 जन्मों पे विश्वास करते हैं, 7 जिंदगियां, वो 7 सोल्स, 7 आंख के पर्दे, और जो हमारे लताइफ हैं वो जो बॉडी के अंदर चल रहे हैं उनका नंबर, ये जो चल रहा होता है, वो पहले जमाने में जितने भी लोग ताकत, किसी देवी देवता की ताकत मानी जाती थी तो वो 7 को माना जाता था। फिर मुख्तलिफ लोग इस गैबी नंबर को जब जानते हैं कि जिस 7 फरिश्ते हैं, जो जितनी भी रूहें हैं हमारे वजूद के अंदर, वो भी 7 लेयर्स में है, 7 रूहें। फिर एक टाइम आया जब तांत्रिक जंतर मंतर करने वाले लोग आए, उन्होंने देखा कि 7 जहां पावर है गॉड की, इवल पावर हमें मिलती नहीं है, इवल पावर डिफरेंट नंबर्स में ही भाग रही होती है, वो 3 में भी भागती है, 9 में भी भागती है, 9 वाले सामरी या सबसे एक्सट्रीम पे जाने वालों का नंबर माना जाता है, बिकॉज 9 नंबर के ऊपर कोई नंबर नहीं है, सबसे पावरफुल माना जाता है, जिस तरह 1 को माना जाता है इसी तरह 9 को भी सबसे पावरफुल माना जाता है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा आया जिन्होंने हजरत आदम के बाद, जाहिर है मुख्तलिफ पैगंबर आते गए, तब ये इतना ज्यादा इल्म नहीं था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जिस वक्त जहूर हुआ उसके बाद जब अहले बैत आए, हमें आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स के बारे में, डेट्स के बारे में वो पता चला, कबल अज मसीह की तारीखें अलग है, बाद अज मसीह की अलग है। फिर फकीरों ने और वलियों ने हमें बताया कि एक अदद है 5, जो अल्लाह के साथ एक नंबर जुड़ा है 5। वो जो 5 है वो हमारी हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। हाथ की उंगलियां 5 बना दी, एक हाथ की उंगलियां हैं, आप अगर द गॉड्स हैंड के नाम से एक पिक्चर कभी भी आप गूगल वूगल करना चाहो तो स्पेस पे आपको एक हाथ मिलेगा, है तो वो गैलेक्सी है लेकिन पूरा हाथ है जो मूव करता है, जिसकी उंगलियों के इशारों से पूरे प्लैनेट चल रहे हैं, ये फकीर हमेशा बताते हैं, और ये उस डेविल को क्लीन करने का नंबर होता है। तो जब भी आप मैजिक क्लीन करते हो, जब भी आप वोडो खत्म करते हो, किसी की नजर खत्म करते हो, तो इसमें 2 चीजों को लिया जाता है जो पॉजिटिव आमिल है। आमिल का मतलब जो किरत देते हैं, कुछ तलावत देते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, अदद देते हैं, वो 5 के ऊपर पूरी हिसारबंदी करते हैं, यानी 5 ईयर्स तक कर सकते हैं, या 5 के चक्र को कंट्रोल करने के बाद आपकी क्लींजिंग होती है, और जो नजर उतारने का अमल होता है वो 7 होता है। 7 दफा चक्कर दे दें अपने ऊपर से, एंटी क्लॉक वाइज 7 दफा वार दें, 7 दफा कुल शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर दें, तो ये 7 नंबर, 5 और 7 पूरी गेम ऑन कर देते हैं। लेकिन नंबर 7 आम लोगों के लिए है। तो अब जाहिर है जिस वक्त हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उसकी वालदा का नाम, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी, वो सारे अदद मिलाने के बाद 9 पे तकसीम करते हो, अदद जो बचता है उस अदद के प्लैनेट के साथ आप उसको मैच करते हो, किसका ये सितारा है उसमें देखा जाता है। तो स्टार्स या दुनिया की जितनी भी चाल चल रहे हैं ये नंबर्स के ऊपर ही 365 दिन हमेशा हमेशा हमें ये चल रहा है। और हमारे जितने भी लोग गलतियां करते हैं वो इस चीज़ को नहीं जान रहे होते कि उन्होंने क्या गलती की जिंदगी में। एक होता है देखो नंबर्स में, आप कभी लॉटरी लेते हो, आप कभी कहते हो जी कि हमने लॉटरी का नंबर तो ले लिया लेकिन अब हमें बताएं कि हमने इसको खेलना कैसे। वो 7 होती हैं,
सात के कौन सी सात का कौन सा नंबर आपने लेना है, इसी वजह से उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं बता रहे होते। तो मेरे अजीजों, ये मुख्तसर सा तारुफ, ये बड़ा छोटा सा शो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो लोग ये जिद कर रहे थे कि हमें नंबर्स का पता चलना चाहिए, मेरे इस कायनात में परवरदिगार ने सारे के सारे डिजिट्स जो रखे हैं नंबर्स, उनमें छुपे हैं राज। घड़ी की सुइयां हों, हमारी औकात बताने वाला ये वक्त हो, या फिर हम एक एक लम्हे में आने वाले कल का फैसला कर रहे हों, ये सब के सब नंबर्स हमारी जिंदगी को खा भी रहे हैं, दुनिया में लोग आ भी रहे हैं, पूरा कंप्यूटर बेस कर रहा है साइन अप पे 0 और 1, सारी की सारी गेम इन्हीं नंबर्स की है। स्टॉक मार्केट के शेयर्स बढ़ते हैं, दुनिया में कितना पैसा है, दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं, लॉटरी खेल कूद हर एक का कोई ना कोई एक नंबर है, जीत में नंबर होते हैं 1, 2 या 3। जब हमारी जिंदगी 0, 1 पे बेस कर रही है तो फिर हमारी कोताहियां भी इन्हीं से जुड़ी हैं। हमारी सांसें कितनी हैं, हमने कितने पल दुनिया में बिता लिए हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें मालूम जब तक नहीं होती बहुत मुश्किल होता है। सो आज हम आपको बता रहे हैं कि किसकी जिंदगी कैसी जुड़ेगी, कैसे होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज सुपर चैट जरूर कर दीजिएगा, आप जितने लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक को हिट कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग इस वक्त ख्वाब खरगोश कर रहे होंगे, तो ये वीडियो दोनों चैनल्स पे लाइव जा रही है, यानी मेरे चैनल पे भी और द गेम चेंजर सीमी मैम के चैनल पे भी, आप दोनों चैनल्स पे, बल्कि वहाँ ज़्यादा अगर आपकी भीड़ होगी तो बेहतर हो जाएगा। एक एक नंबर हम बुलाएंगे, बताएंगे, आप सुपर चैट करते रहिएगा, फिर आप लोगों की जिंदगी की डिटेल हम बताते हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले जिस नंबर के बारे में हम बताने लगे हैं, अदद 1, जिसका भी अदद है उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी तारीख पैदाइश अगर 10 है तब भी, आपकी तारीख पैदाइश 19 है तब भी, आपकी तारीख पैदाइश 28 है तब भी, आपको यही फॉलो करना है द नंबर 1। ये हो गया जी नंबर 1। आप लोगों की जिंदगी में क्या क्या असरात रखता है द नंबर 1। और अब आपने ये नंबर देख लिया हमारे स्क्रीन के कोने पे भी मैंने लगा दिया कि बार बार लोग ये ना पूछें कि जी कौन से नंबर के बारे में बता रहे हैं। नानी, आपका नंबर 1 है, आप 10 तारीख को पैदा हुए हो, आप 19 तारीख को पैदा हुए हो या 28 तारीख को पैदा हुए हो, तो आप राइट जगह पे हो, क्योंकि आपके बारे में हम बताने लगे। सन, सूरज, अदद 1 सूरज का नंबर, जिसके पूरी दुनिया बेस कर रही है, चल रही है। तो ये जो सबसे बेस्ट इस नंबर को क्यों माना जाता है, नंबर 1 खेल कूद में भी आप इसी नंबर पे, नंबर 1 पे कौन आया जी, नंबर 1 पे वो है, दुनिया में नंबर 1 कौन सी गाड़ी है, नंबर 1 वो गाड़ी, फोन कौन सा है, वो फोन है। तो नंबर 1 सबसे बेस्ट। तो वो जो 0 और 1 है ये अल्लाह के नंबर माने जा रहे हैं। अच्छा, ये पावरफुल नंबर है, जिसकी भी जिंदगी में है, अगर आपके इर्द गिर्द या आपका कोई नंबर है, आप जानना चाहते हो कि ये फला तारीखों में लोग पैदा हुए, ये एक तो बहुत इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, इनकी ताकत जो है वो रूहानी ताकत, बॉडी की ताकत से ज्यादा इनकी रूह और इनकी ब्रेन जो ताकत है उसको ज्यादा माना जाता है। तो इन लोगों से आपको जिस्मानी तौर पे डरने की जरूरत नहीं होती, हो सकता है आप कमजोर हो, वो ताकतवर हो बजाहिर, लेकिन आप उनको बीट कर दो, बट इनके ब्रेन को बीट करना अनबीटेबल है। ये बड़ा खतरनाक नंबर होता है, बहुत मेहनत करके ये अपने मकाम को हासिल करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अनापरस्त होते हैं, खुददार होते हैं, किसी की फेंकी हुई कमाई पे अपनी जिंदगी न गुजारने वाले लोग होते हैं। जिन रिश्तों में जुड़ जाते हैं नंबर 1 वाले, उन रिश्तों पे आंखें बंद करके आप भरोसा कर सकते हो कि वाह ये लोग हैं हमेशा, यही लोग जिनका अदद है ये दुनिया पर रूल करते हैं, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अदाकार, सादाकार, जिन लोगों का ब्रेन चलता है, जिन लोगों की पर्सनालिटी में करिश्मा होता है, उन लोगों का ये नंबर माना जाता है। इन लोगों में बहुत सारी चीजें, जैसे ये सोच अपने इर्द गिर्द के मुआशरे को देखते हुए ही तब्दील करते हैं,
मतलब जैसा देश वैसा भेद, ये जो ही जहां जाएंगे वैसा ही हो जाएंगे। अगर ये किसी धक्कियानूसी ख्यालात वाली महफिल में होंगे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं होगी, लेकिन इनका जो हुलिया है, इनके एक्सप्रेशंस हैं, ये खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। और ये किसी बहुत बड़ी पार्टी में है, गोल्डन ग्लोब में है या ऑस्कर में है, तो फिर इनका बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीजें हमेशा महफिल को लूटने वाले होते हैं। लेकिन मस्त माने जाते हैं, वली माने जाते हैं, अपनी धुन में रहने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को, नंबर वन वालों को स्याह टंग यानी काली जबान वाला भी माना जाता है, क्योंकि इनके अल्फाज जहां गिरते हैं वहां या तो आग लगती है या वहां गुलजार होता है, यानी अच्छे लफ्जों में भी और बुरे लफ्जों में भी। सो ये हमेशा वलियों के नंबर्स में माना जाता है। पावरफुल होने की वजह से ये कोशिश करते हैं कि वन मैन आर्मी, मर्द है या औरत है, वन मैन आर्मी टाइप की ही चीज इनके इर्द गिर्द रहे। इनके नंबर एक होता है तो नॉर्मली इन लोगों की जिंदगी में रिलेशनशिप भी जंप्स कर रहे होते हैं, यानी एक पावरफुल लव, एक पावरफुल रिलेशन, ज्यादातर एक औलाद, और अगर औलादें ज्यादा हैं तो उनमें से एक ही औलाद का वफादार होना, ये इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, नंबर वन वाले लोगों के लिए बहुत सारी चीजें जहां पे एक्टिव पोजीशंस पे होती है, वहां कहा जाता है कि इन लोगों को अपनी आईज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इन लोगों को अपने फूड प्रोसेस, जो भी बड़ी आंत छोटी आंत है, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर डे वन से आपने एरर दे दिया अपने वजूद में कि आप चीनी खा रहे हो तो चीनी, आप नहीं खा रहे हो तो नहीं, तो इनको सिर्फ ये दो चीजें, क्योंकि इनका जो बातिन है वो निगाह के साथ ही जुड़ा होता है, इनके ख्वाब ट्रू होते हैं, इन लोगों की पर्सनालिटी में आपको डबल स्टैंडर्ड कम मिलेगा, क्योंकि दो नंबर अलग ताकत है, लेकिन डबल वो आपको नहीं मिलेगी, मिलावट नहीं होती है। खालिसतन ये भरोसा करने वाले लोग होते हैं। इनमें खतरनाक चीज क्या होती है? एंगर, क्योंकि जलाली नंबर माना जा रहा है कि अगर इनको जलाल आ जाए फिर इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैग्नेट पावर सबसे ज्यादा नंबर वन एंड नाइन में पाई जाती है। सो नंबर वन खींचते हैं लोगों को, पैसों को, लक को, नसीब को, हर उस चीज को। लेकिन इन लोगों को हमेशा बुजुर्ग ये कहते हैं कि आप लोग नेगेटिव मत सोचो, वरना नेगेटिव खिंच के आएगा। मैग्नेट पावर समझते हो ना, कि आपका मकनतीस बड़ा भारी है और दुनिया में बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हल्का लोहा है, आप जो सोचोगे वही आएगा। आप नेगेटिव को पॉजिटिव पे बदलोगे तो पॉजिटिविटी हर तरफ से आना शुरू हो जाएगी, मोहब्बत का मिलना, फला चीज। इनकी कमजोरी में सबसे ज्यादा जो कमजोरी होती है वो अच्छे रिश्तों और सफाई सुथराई और खूबसूरत मौसम वाली जगह होती हैं। तो आप अगर इन लोगों के साथ रहना चाहते हो तो आप लोगों को इन चीजों को मद्देनजर रखना होगा। नंबर वन वाले जो हैं ये जज्बाती होते हैं, पर ये जिस वक्त रात की तारीकी शुरू होती है यानी 8 बजे के बाद और 8 बजे से पहले, 8 and 8 इनका नंबर माना जाता है, 8 and 8 के दरमियान इनका ब्रेन ज्यादा वर्क करना शुरू हो जाता है, ये जिंदा हो जाते हैं। इनकी जिंदगी में नाकामियों का सिलसिला गलत मैच मेकिंग की वजह से होता है, कि अगर इन्होंने गलत किसी चीज पे हाथ रख दिया, यार ये मुझे तो बजाहिर अच्छा लग रहा है, फिर उसके साथ ये गुजारा करना, जिंदा रहना, ये जो भी कुछ कर रहे होते हैं ये वैसे ही करते हैं, फजूल खर्च नहीं होते। इसलिए आप बड़े सेफ हो अगर नंबर वन हो या नंबर वन के साथ कोई रिलेशन बनाना चाह रहे हो, तो आप लोग ये देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फजूल खर्ची नहीं है जहां जरूरत हो। और मेरे ख्याल से ये वाहिद नंबर है जो पूरी दुनिया में जो भी कुछ कर रहे होते हैं, मतलब अगर फर्ज करो कि आपके घर में कुछ भी नहीं है लेकिन इनकी पोटली से कुछ ना कुछ रिस्क के लिए निकलेगा, यानी ये वो लोग लकी में होते हैं जो गॉड्स हैंड की तरह इनके हाथ से हमेशा दिया जाता है। नंबर वन इसी वजह से हमने हाई नंबर पे रखा है। जो लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए उनका नंबर वन है। इनको अल्लाह ताला की खास अता होती है नंबर वन वालों को। दूसरा ये कि ये बहुत जल्द लोगों की बातें सुन के वही वाली फीलिंग्स में आ जाते हैं और कच्चे कानों के होते हैं, जिसकी वजह से इनको नाकामी होती है। लोग इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज लव नंबर है। लव नंबर में आपने देखा होगा आई, आई का नंबर वन से लिया गया है, वन यानी आई, मैं, और इनकी जो अंदर की वो मोहब्बत वाली है ताकत, उसका इस्तेमाल लोग बड़ी तेजी से करते हैं। एक चीज तो ये है कि हुक्मरानी
मैं इनका कोई तोड़ नहीं होता, मतलब ये जब तक जिंदा रहते हैं, एक इनका जो इसको साइड इफेक्ट कहो या इनको इनकी बदकिस्मती कहो कि इन लोगों को खुद अपने हाथ पांव चला के ही मेहनत की रोटी रोजी खानी होती है, या ये मानते हैं कि हमें हम शुक्र करते हैं कि हम चलते फिरते रहते हैं। उम्र बहुत लंबी होती है नंबर वन वालों की, जो भी इस तारीख में पैदा हुए नंबर के हिसाब से बहुत सारे लोग जो पहले जमाने में भी थे उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। जिस्म से मुश्क अंबर की बू हल्की सी आए, मतलब ये अब वो है जिन लोगों के सेंसेस बहुत तेज हैं, जो बातिन को सूंघ सकते हैं, हर इंसान की बुए यार है ना, कि बुए यार है मेरे यार की खुशबू, तो इनके मुश्क अंबर से रिलेट किया जाता है कि जैसे इनकी वजूद की जो महक है वो ऐसी होती है। और आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि नंबर वन को दुखी दिल भी माना जाता है, देवदास भी तसव्वुर किया जाता है, देवदास का नंबर भी वन ही था बाय द वे, और जाहिर है जितना टूट के मोहब्बत करते हैं, पारो पारो मुझे पत्थर ना मारो, ये थे नंबर वन वाले। और अब आप लोग अगर किसी के साथ जुड़ना चाहें तो नंबर वन की ये सारी खासियतें आपने देख ली हैं। अब नंबर वन के बाद पहले हम देख लें आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या बोल रहे हो, आप लोग क्या सुन रहे हो, उसके बाद हम आते हैं। थैंक यू जो अभी आए हैं, लाइक को हिट कर दो, देखने वाले ज्यादा हैं, नंबर्स किसी ने दिए नहीं ज्यादा, मतलब अंगूठे कम कम चला रहे हो, भूल गए हो तो याद दिला दो। अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तेरा लिखा है जी, तेरा नंबर डेफिनेटली मैविश फोर है, बिल्कुल मैविश ने सही लिखा है, मैं एक एक का बताऊंगा, परेशान ना हो, ये ऊपर स्लाइड चलती रहेगी। जो जो नंबर लिख रहे हैं, 17 जो नंबर है वो 8 तारीख, अदद 8 है, जो 17 वाला है, 16 वाले नंबर आते हैं, अभी देखते रहो, हम आपको साथ साथ बताते हैं, ठीक है जी। अभी आप लोगों को लेकर चल रहे हैं दूसरा नंबर, और ये बहुत ही जबरदस्त नंबर है मेरे दोस्तों, और ये नंबर क्या है, नंबर टू। जी नंबर टू आपके सामने आ चुका है, जो लोग 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पैदा हुए उनका था 2 है, ठीक है, 2 अदद वाले बड़े पावरफुल नंबर वाले होते हैं, माना भी जाता है, जाना भी जाता है। और नंबर टू वालों के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो नंबर टू है इसको चांद के साथ मंसूब किया जाता है, द मून नंबर। फर्स्ट जो है वो सूरज यानी शम्स के साथ, इसको कमर के साथ जोड़ा जाता है नंबर दो। नंबर दो में सबसे बड़ी चीज कि इनकी पर्सनालिटी निखरी हुई और साफ सुथरी होती है, वफा की इंतहा होते हैं, जाहिर है कोई भी इरादा अगर कर लेते हैं तो जब तक वो पूरा ना हो जाए ये चैन से नहीं बैठते, तो बेचैन रूह भी माना जाता है। तसव्वुफ की जबान में इनको दीन और दुनिया को साथ लेके चलने वाले लोगों में टॉप पे रखा जाता है। मुस्तकिल मिजाज होते हैं डेफिनेटली, लेकिन मूड स्विंग करते हैं हालात और लोगों के हुजूम के हिसाब से, लेकिन ये मूड स्विंग करना कभी कभी इनको महंगा पड़ जाता है, बिकॉज ये फैंटसाइज करते हैं, बहुत जल्दी किसी नतीजे पे पहुंच के फैसला कर देते हैं, और थोड़ी देर के बाद इनको लगता ओह ये नहीं होना चाहिए था। फर्ज करो आप कोई एक चीज खरीदते हो, एक कपड़ा पसंद आ गया और वहां पे उसी की कुछ 7-8 और वैरायटी है और आप कंफ्यूज हो, लेकिन पैसे आपके पास एक जोड़ा खरीदने गए हैं, वो बेस्ट वाला खरीद के तो ले आए, लेकिन पूरे रस्ते में और घर तक बाकियों के ऊपर तवज्जो, वो ले लेते तो वो ज्यादा अच्छा था, मतलब ठीक है समझ रहे हो ना आप। हाँ, तो इन लोगों का हमेशा जीवन जो है, जो जीवन साथी है वो लविंग होते हैं, लेकिन वो हमेशा डॉज दे के निकल जाते हैं, मतलब डॉज से मुराद कि वो बड़े पक्के होते हैं, पक्के से मुराद नंबर तो इनके 2 है पर वो 2 नंबर होते हैं, इनको हमेशा जीवन साथी में मिलते हैं जो फ्लर्ट होते हैं, थोड़े से तबीयत हम बेबाक होते हैं, बेबाक हसीना, तो ये हमेशा अपने जीवन साथी पे जिंद जान वार के रखने वाले होते हैं, लेकिन जब इनको पता चलता है तो ये इज्जत बचाने के लिए खामोश होते हैं।
अल्लाह ताला के साथ इनका कनेक्शन बड़ा ठहराव वाला होता है। इनकी जिंदगी में दो पोर्शंस ऐसे होते हैं कि एक गुरबत का है, एक अमीरी का है, लेकिन ये हमेशा हर दो महीने और दो साल के बाद बड़ा सर्कल लेते हैं, यानी हर टू मंथ और टू इयर्स के बाद इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। जो ये लकीर के फकीर वाली जिंदगी है वो बिल्कुल वैसी नहीं रहती है। एक चीज इनकी, जो भी लोग इनके साथ काम करना चाहें, कारोबार करना चाहें, वो लोग आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हो सकते हैं, दो नंबर नहीं हो सकते। समझ आ रही है आपको? ये दो नंबर का लफ्ज निकाला किसने, मुझे आज तक ये भी नहीं पता। दो नंबर इसलिए कि एक नंबर बहुत अच्छा होता है, दो नंबर दो होते हैं, दो कहते हैं शायद दोगली पर्सनालिटी के साथ दो। तो ये कहीं लखनऊ से ये मुहावरा निकला था कि मियां ये आदमी तो दो नंबर है, और औरतों के लिए भी औरत कैसी है। नहीं भाई, ये दो नंबर हो रहा, दो नंबर औरत का पता ही है आपको, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबिलिटी है। आप लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दो इनका आदत है, इसमें क्योंकि ये एक मुकर्रर अच्छे होते हैं लेकिन शर्मीले मिजाज के भी होते हैं, यानी ये सिर्फ अपने कंफर्ट वाले लोगों के साथ मिलजुल के बहुत खुश रहते हैं, बहुत डिसेंट पर्सनालिटी, सुलझे हुए ख्यालात, मैच्योर सोच। लेकिन इनमें अगर कहीं एरर आए, मतलब फर्ज करो कि इनके बीच में कोई एक गैप आता है, प्यास आती है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो फिर इनसे ज्यादा डेंजर और बेबाक ख्यालात वाला नहीं होता। दुनिया के बड़े बड़े सुपर मॉडल्स या जिन्होंने कुछ बेबाक काम किए हैं, वो भी नंबर टू से ही उनका ताल्लुक होता है। इन लोगों को सदियों से मेहनत की चक्की में पीस के आटा खाने वाले लोगों में नंबर वन पे समझा जाता है। नंबर टू को काम काज के मामले बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। ज्यादातर इनको वजीर के रूप में आप देखोगे, इलाके के खड़पैच के रूप में देखोगे, किसी पार्टीज में भी सरे फहरिस्त होंगे, पैसों का हेर फेर नहीं करते हैं। नंबर टू वाले ज्यादातर समाजी कामकाज करने वाले लोगों में शामिल होते हैं, दर्द दिल रखते हैं, इसलिए पहले जमाने में लोग इनको डॉक्टर, नर्सेज, आईटी का काम करने वाले, दवा बनाने वाले, जितने भी लोग होते हैं बड़े महकमों में, तालीम के शोबे में, या फिर कानून के शोबे में, या फिर हुस्न के शोबे में, यानी आर्ट, फनून लतीफा, मेकअप, इस फील्ड में नंबर टू बहुत ज्यादा काम करते हैं, भरोसे वाले लोग हैं। इसीलिए इनकी ईमानदाराना सलाहियत, चाइना में चले जाओ, जापान में चले जाओ, इजिप्ट में चले जाओ, या फिर एथिन में, अभी भी पुराने जो लोग हैं वो आपको कहते हैं बायोडेटा भेजो, बायोडेटा देते हैं, और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ उनके लिए होता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डे नॉट ए ईयर, ईयर मैटर नहीं करता वो, क्योंकि हर बंदा हिसाबदान नहीं होता। नंबर देख के वो कहते हैं अच्छा, अगर इसका अतः दो है तो इस पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करूं, नंबर वन तो जाहिर है, एक बिल्कुल ही। अच्छा, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है, लेकिन इंतहाई डेंजर, अगर ये कानूनी गेम में आपको फंसाना चाहें, या ये ब्लैकमेल करना चाहें, या ये कुछ साजिश बनाना चाहें, तो इनसे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई गेम चेंजर कोई भी नहीं होता है। मेहनत बहुत करते हैं, इसलिए इन लोगों को लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि यार इन लोगों की उम्र के हिसाब से कितनी उम्र होनी चाहिए, तो एक अंदाजे के मुताबिक, मतलब अब इस नंबर को जो माना जा रहा है कि जी ये किस नंबर पे जा सकता है, तो इसको 92 इयर्स नॉर्मली, जो अच्छी सेहत, जो शराब सिगरेट विगरेट से दूर रहते हैं, और जो नॉर्मल कम एज होती है वो 88 इयर्स तस्वुर की जाती है। इन लोगों को कोई भी शॉर्टकट का हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादातर इनामी बॉन्ड्स इन 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 चीज़ों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसे ज़बरदस्त नंबर वाले लोग हैं जो तालीम, बीच में से दो तीन दफ़ा उसका सिलसिला टूटता है, ज़िंदगी में जो भी ये बिज़नेस करना शुरू करते हैं, जॉब शुरू करते हैं, वो भी दो तीन दफ़ा वो इनके प्रोफेशंस भी चेंज होते हैं। और इन लोगों को नॉर्मली जैसे नंबर वन वाले हैं उनको हमने ज़्यादातर नहीं वो चीज़ें सजेस्ट की, क्योंकि ये एक बेसिक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे नंबर वन वाले हैं उनको ज़्यादातर स्याह रंग, सुर्ख रंग, पीला रंग और हरा रंग इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जो नंबर दो है, इस अदद के साथ जो जोड़ा जाता है वो ब्लू कलर है, ब्लू के राइट डार्क एंड लाइट सारे शेड है, सी ग्रीन और जो डीपर ग्रीन होता है वो, और एक्वा ब्लू, ये इनका बहुत ज़रूरी होता है, एंड ब्लैक। ब्लैक एक ऐसा कलर है जो 9 के 9 नंबर्स के साथ जाता है। हर बंदे को ब्लैक कंट्रोल के लिए, नज़र के लिए, रूहानियत के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त रखना पड़ता है। सो नंबर दो बहुत ज़बरदस्त आदत दो वाले पावरफुल लोग हैं, या इन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक हम कर सकते हैं, और नंबर टू को
उड़ाते हैं यहां से। अब देखते हैं यहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, पर उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं। एंड थैंक यू जो अभी आए हैं, लाइक को हिट कर दीजिए, दोनों चैनल्स भी आप लाइव देख रहे हो, सिमी मैम के भी और यहां भी। सर आपके शो में स्नो असल में हो रही भाई, मतलब मैंने तुझे देखो, मैंने ये अच्छा लोग समझ रहे हैं कि शायद मैंने ये दो चीजें पहनी है, एक ही चीज है, मतलब ये लेदर की जैकेट के नीचे ये जिपर है और ये बहुत मोटी एक वूलन की इन्होंने जैकेट बनाई हुई है और फिर पीछे से ये हुडी है। ज़ारा कंपनी है जो ब्रांड है, जब आप वहाँ जाते हो तो आपको इसका एक स्टफ तो ये कि ये यहाँ से बहुत इसकी ग्रिप है, यानी आपका एयर को कहीं से भी आने नहीं देता है और वार्म रहते हो आप, बारिश में भी ये काम करती है, यानी आप बिल्कुल, मैं जैकेट नहीं बेच रहा हूँ, मैं खाली इसकी खासियतें बता रहा हूँ, तो सोचो इतनी बर्फबारी में यही किया जा सकता है। ओके ठीक है, चलो लेकर चलता हूं आपको एक बार फिर नंबर। अब जिसकी बारी है वो कौन है? नंबर थ्री की हम आपको एक बार फिर से स्लाइड बताते हैं और आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई मौजूद भी है, हम वो भी बताते हैं। तो ये नंबर थ्री की स्लाइड चल रही है, वो हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हम आपको मिलवा देते हैं। ज़ाहिर है अब हम क्या करें, मजबूर हैं हम। आप नजर आ रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, सबके ठीक ठाक है, मजे में, एवन फिट और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों बरकतों के साए में रखे, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सबकी मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को दूर फरमाए और अल्लाह अपनी रहमतों और बरकतों के साए में आप सबको हमेशा हमेशा रखे, और जिनकी शादियाँ नहीं हो रही अल्लाह उनकी नसीब खोले, औलाद की नेमत से महरूम है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपनी रजा से औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। अल्लाह हमें, हम सबको, आपको भी और मुझे भी हासदीन से बचाए, बुरा चाहने वालों से, करने वालों से बचाए, शैतान की चालें चलने वालों से बचाए, और अल्लाह पाक उन सबको अपनी डाले रखे ताकि वो मेरी और आपकी भूल जाए, आमीन। और जी थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है मुझे भी पसंद करते हैं जब मैं यहाँ आती हूँ, और अगर नहीं आती तो फिर मैसेजेस में जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ मैम आए ना आए ना, आप कब आएंगी आप कब आएंगी, तो सोचा थोड़ी देर के लिए चले मैं भी चली जाती हूँ, क्योंकि तैयार व्यार तो थी, हम बाहर गए हुए थे, मौसम भी इंजॉय करने, थोड़ा काम वाम था तो इसलिए चले गए थे। मौसम बहुत ठंडा जी, मौसम बहुत गर्म है, तूफान है, इतना शदीद तूफान है और डरा रहा तूफान, शुगर शुगर मेरी तरफ देख के नहीं बोल रहा, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है तूफान की, ओ हो हो, आप सोच नहीं सकते। अच्छा ये तूफान की आवाज ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि हम 50वें फ्लोर पे हैं, तो हवा बहुत करीब से जो गुजरती है, सब बंद है फिर भी इस वजह से, तो और लगता नहीं है कि ये दुबई है, मुझे नहीं लगता कि लास्ट 8-10 साल कभी ऐसा मौसम देखा हो, शदीद ठंडी हवा है और ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, कोई 4-5 दिन हुए हैं, आप अगर बाहर निकलते हो फर्स्ट करो, आपने यहाँ से कोई आधे घंटे की दूरी पे जाना है तो फिर आप अपने दिमाग में 3 घंटे लेकर जाओ, क्योंकि रींगते हो आप, हिले भी नहीं पाते और चिढ़ जाते हो आप, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यहाँ ज्यादातर गर्मी रहती है ना, आपको पता है कि 8-10 माह जो है वो गर्मी रहती है, 1-2 महीने के लिए ठंडा और अच्छा मौसम आता है, तो ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि शाम को जब काम से फारिग होकर जाए तो अपने बच्चों को कहीं घुमाने फिर। अच्छा मुझे ये लगता है कि दुबई वाहिद, दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पर कितना भी थके टूटे लोग आए तो यहाँ पर कोई ये नहीं कहता मुझे आराम करने दो, सोने दो, मैं थक गया टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसके बाद लोग जो है अपनी फैमिली को लेके मॉल में निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, आजकल आउटडोर ज्यादा मजा है क्योंकि अच्छा मौसम है, तो मॉल वॉल जाने का तो इतना दिल नहीं किसी का भी करता, बाहर जाए, बहुत मॉल है यहाँ पे, बहुत मॉल है यहाँ पे, और बाहर बैठ के खाना वाना खाए। और अभी जी नंबर पे शो हो रहा है, पहले भी हमने किया था लेकिन ऐसा जो काफी टाइम हो गया, मैं अपने शो में भी बताती हूँ ये भी बताते हैं, लेकिन लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप नंबर्स के वाले से करें, तो आप सबको बता दिया, जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप ये करें, जैसे आपकी 22 है तो दोनों को जोड़ लो तो 4 बन गया, अब जब आपका नंबर 9 से ऊपर कोई बनता है तो फिर आपको वापस 1 और 2 डिजिट में आना पड़ता है, दिखा भी रहे हैं कि आपकी अगर तारीख पैदाइश ये है तो आपका ये नंबर है, बस सिंपल सा, इतना आसान कर दिया, तो 1 है, 10 है, 19 है,
और उसके बाद 28 है। ये सारे नंबर जो हैं, ये जब आप 8 और 2 को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में सिफर की क्योंकि हैसियत है, न्यूमरोलॉजी में नहीं होती, एक आपका वापस आ जाएगा। और अभी ये जो 1 के बारे से बता रहे हैं, तो मैं भी 1 हूँ, नंबर 1 से ताल्लुक है, और मेरे बेटे का भी नंबर 1 से ताल्लुक है। और इन्होंने जितनी बातें बताई, इनको पता है मैं और मेरा बेटा हम डिमांडिंग बिल्कुल भी नहीं है, मतलब लोग टाइप के हैं, दे देंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अगर नहीं मिलेगा तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और उसके अलावा जैसे इन्होंने बताया एक दो औलाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा भी एक हमारा। और ये जो इन्होंने बात की कि इन्हें छेड़ोगे तो ये छोड़ेंगे नहीं, और लीडर जितने भी नंबर्स हैं, हाँ, वन के साथ जुड़े हुए जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी होते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी होती है तो आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो है, मेरे अंदर भी है, मेरे बेटे के अंदर भी है। तो ये नंबर जो है ना, ये बड़े, इसीलिए मैं जब आपको कहती हूँ ना, ये जो आपका एक ये नंबर है, और एक नंबर होता है जो आपके नाम का होता है, जब आपके नाम के अदद जोड़े जाते हैं तो उसके बाद जो एक नंबर होता है वो भी हमने शो किया है, हम कोशिश करेंगे रिपीट कर दें, तो वो भी एक होता है। इसीलिए आपको मैं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा अच्छे नाम रखें, तो अपने घर वालों को कहें आपके पूरे नाम से आपको बुलाएं, आप अपने बच्चों को पूरे नाम से बुला कर, अगर दो नाम रखें दोनों नामों से देखें, अभी किसी का अगर नाम है जैसे किसी का नाम कनीज फातिमा है, तो देखें दोनों खूबसूरत नाम है, तो आप कनीज फातिमा पूरा क्यों नहीं कहते। फिर उसके बाद निक नेम हम रख देते हैं, प्यार में कभी कभी बुला लें, जो दिल चाहता है बुलाएं, लेकिन सारा वक्त वो निक नेम मत रखें, क्योंकि जो आपने नाम रखा है उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपके डेट ऑफ वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट में रखा हुआ, या आपने डेट ऑफ वो क्या बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ, या पासपोर्ट में आपका लिखा है, तो वो आप कॉल नहीं कर रहे हैं, जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक वो आपकी ना हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, ना आपके फाइनेंस पे उसका कोई असर होगा, ना आपकी एजुकेशन, ना रिलेशन, किसी पे नहीं होगा। आप जो बार बार कहते हैं ना कि हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे, आपने देखा बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आप किसी अपने बुजुर्ग के पास जाएं, किसी मौलाना के पास, उलमा के पास जाएं, और आप कहें हमारा बच्चा बीमार रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत डल है, और वो जब हिसाब करते कहते हैं इसका नाम बदल दो, इसका नाम इसको सूट नहीं कर रहा। तो नामों की बड़ी अहमियत और हैसियत होती है, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज को भी अवेयर करें। आप देखें आप बाहर चले जाएं तो बहुत कम होता है कि वो निक नेम बुलाएं, जोजफ है तो जोजफ कहलाएगा, रीटा तो रीटा ही कहलाएगी, वहां पर ऐसा नहीं होता, रिट हो जाए, वो हमारे यहाँ रिट हो जाती है, तो इसी वजह से हमारी प्रॉब्लम भी ज्यादा है। तो वो शो भी इंशाल्लाह हम करेंगे, अभी जो है वो आप शो जारी रखें, वो तो काफी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ लिख दीजिए प्लीज, वो वहाँ पे सब जवाब दे रहे होते हैं, सिमी द गेम चेंजर सिमी हैदर चैनल पे, वहाँ पे आप लिखें तो वो आपको सारी टीम भी और मैम भी आपको बिल्कुल, और आप लाइव शो को भी ज्वाइन किया करें, वहाँ आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप लाइव ऑडियो वीडियो कॉल पे भी आ सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप वो बात भी कर सकते हैं। हमने तो आपके लिए देखें इतना कुछ शुरू कर दिया, और अच्छे अच्छे कॉमेंट जरूर दे दिया करें, और जिसको शो नहीं पसंद होता स्किप कर दें, किसी और का शो देख लें, लेकिन नेगेटिविटी ना फैलाया करें, क्योंकि उसका नुकसान आपको होगा, अगर आप बुरा सोच रहे हैं बुरा बोल रहे हैं तो उसका असर आप पे होना है, हमारे पे तो होना नहीं, ना किसी और यूट्यूबर या टिकटॉकर या किसी पे भी होना है, तो क्यों अपनी एनर्जी जाया करें। बिल्कुल सही, ठीक है, और खाना बड़ा अच्छा खाया, नेक्स्ट किस्त में आके बताऊंगी क्या खाया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैनल पे शो हो रहा है तो इस वजह से वहाँ का हिस्सा यहाँ किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू जी। ये नंबर 3 की स्लाइड मैंने दोबारा से आपके सामने कर दी है, नंबर 3 जिन लोगों का आदत है उन लोगों की जिंदगी कैसी गुजरेगी ये हम आपको अभी बता देते हैं। ओके जी, नंबर 3 में हम लोग सबसे पहले आप लोगों को जो प्लैनेट होता है उसमें मुश्तरी सितारे के साथ इसको बांध के रखा जाता है, जोड़ के रखा जाता है। एक तो ये मिजाज के हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो इनको दो चीजों के साथ जोड़ा जाता है, एक तो डायमंड एंड क्रिस्टल, मतलब अगर आप इनको बोलते हो कि ये हीरे की तरह है, सबसे कीमती है, सबसे महंगे नंबर्स हैं। अब आप देख लो ऊपर जो जो नंबर आपको नजर आ रहा है कि अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए, किसी भी महीने 12 तारीख को पैदा हुए हो, 21 तारीख को पैदा हुए हो या 30 तारीख को पैदा हुए हो, तो आपका अदद 3 बनता है। अच्छा, इसमें क्योंकि दो तरह की चीजें, मौला अली से एक शख्स ने पूछा था कि मौला ये बताइए जो बहन ये जो भाई होते हैं, बहन भाइयों का रिश्ता होता है और दोस्ती का रिश्ता होता है, ये कैसा होता है? तो मौला अली ने कहा था कि जो बहन भाई होते हैं ये गोल्ड की तरह होते हैं, सोने की तरह, तो बड़ी बात है गोल्ड है, और जो दोस्त होते हैं ये डायमंड की तरह होते हैं, हीरे की तरह होते हैं। तो बड़े हैरान हुए कि हीरा तो ज्यादा महंगा होता है। तो मौला ने फरमाया हाँ हीरा ज्यादा महंगा जरूर होता है, लेकिन जब वो एक बार टूट जाए तो बिखर जाता है, फिर उसकी वैल्यू वो तो नहीं है, मतलब टूट गया खत्म हो गया।
लेकिन सोना जो है वो जितना भी उसको तोड़ो मोड़ो आग में डालो फिर भी वो सोना ही है, तो बहन भाई या ब्लड रिलेशन जो है वो खत्म नहीं होता। सो इनको डायमंड कहा जाता है, इनकी बड़ी कदर करनी पड़ती है। नंबर तीन जो आदत वाले हैं, एक तो ये है कि ये किसी भी इदारे में जाते हैं तो उसे बड़ा सेटअप कर देते हैं। इनका क्योंकि आदत ऐसा होता है जिसको लव के साथ जोड़ा जाता है, ये आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। जिंदगी में स्ट्रगल बहुत होती है नंबर तीन जितने भी लोग हैं, लेकिन बिल आखिर वो उस चीज को पाते जरूर है। मुझसे बाहर जाना है तो जाना, मोहब्बत करनी है और मोहब्बत को पाना है तो हर तरह से इन्होंने पाना है, ये जिंदगी में इनकी एक कामयाबी होती है। दूसरा, इन लोगों को ज्यादा एजेंसियों में ऑफर की जाती है, ये इंटेलिजेंट होते हैं, खोज लेते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत ज़्यादा ब्रेनी होते हैं, इसलिए इनका ताल्लुक लिखत पढ़त से होता है, फ़नून लतीफ़ा की फील्ड से होता है। किसी भी इदारे में जाते हैं ये अच्छे मुअल्लिम अच्छे तकरीर वाले हो सकते हैं, और क्योंकि ये शायर ज़रूर होते हैं लेकिन ये हर महफिल की जान माने जाते हैं नंबर तीन वाले। अगर आप इनके साथ मंसूब होना चाह रहे हो या आप खुद हो तो आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो है इनकी खामोशी, यानी अगर किसी ने कुछ कह दिया इनको तकलीफ हुई तो ये बज़ाहिर तो बरमला इजहार कर देते हैं हल्की फुल्की बात कर, लेकिन अगर इनको लग रहा है कि यहाँ नहीं बोलना तो वो इनको खाएगा। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये किसी ना किसी से उसका जिक्र जरूर करेंगे, वो किसी को भी हो सकता है, कोई नहीं मिलेगा खड्डा खोद के ना उसमें बात कर लेंगे कि भाई आज मेरे साथ ये हो। सो ये खुद से गुफ्तगू करने वाले होते हैं और खुद ही तक का सफर करते हैं, इससे खुद ही पे जब जाते हैं तो फिर खुदा तक का भी सफर इनके पास होता है, यानी रूहानियत बहुत ज्यादा कूट कूट के नंबर तीन अदर तीन वालों के साथ भरी होती है। जितनी भी नेगेटिविटी इनके इर्द गिर्द आती है ये उसको पिक नहीं करती, बहुत कम इनमें आप लोगों को देखोगे जो ड्रगी होंगे या मुख्तलिफ कोई भी नशा करते होंगे, और जो करते हैं वो भी अपनी उस टेंशन से भागने के लिए, यानी वो चस्के के लिए नहीं कर रहे, या तो आदतन किसी ने डाल दी तो चलो जी शुरू है तो शुरू है, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म करने वाले लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि ये दिल आजारी नहीं करते, किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं एक अच्छे जीवन साथी के तौर पर ये आते हैं। अच्छा, नेगेटिविटी में कहीं कहीं इनके बारे में हमेशा लोग ये ख्याल करते हैं कि इनकी ज़िंदगी का एक माइनस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट ऐसा होता है जिसको ये इनसाइड रखते हैं, जो डार्क सीक्रेट्स होता है वो हर किसी के साथ ये कंफर्ट फील नहीं करते, इसीलिए हर कोई इनकी ज़िंदगी का इनके दोस्तों की फहरिस्त जो है वो बड़ी कम होगी, सेलेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा कम। इनकी फैमिली में भी इनके बहुत कम लोगों के साथ बातचीत होती है, लेकिन क्योंकि ये हद्दुल अजीज़ी वाले पर्सनालिटी के हैं, कोई हेरा फेरी नहीं करते, दो नंबरी नहीं करते हैं, एक मरतबा अगर इन्होंने कुछ ठाना है कि भाई मुझे ज़िंदगी में इस मकसद को ही लेकर चलना है, अब वो कितना कुछ भी तब्दीली आ जाए वो इनके अंदर चल रहा होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर ये सोचते हैं मुझे आईटी में कुछ तीर मारना है, ये आईटी कर रहे हैं लेकिन आगे चल के इनके पास वो पोर्शन नहीं है लेकिन अंदर चल रहा होगा, और ये तिब का काम कर रहे हैं लेकिन जो भी इनको मौका मिलेगा ये अपना आप सामने लेकर आएंगे, लेकिन ये आर्टिस्ट आर्ट के दिल दादा ज़्यादातर जैसे मैंने बताया है आर्मी फौज नंबर्स में ब्रेन का नंबर है, तो ज़्यादातर जो हमारे रहनुमा होते हैं बड़े बड़े वो लोग ये माने जाते हैं। अजवाजी ज़िंदगी में कहीं कहीं उतार चढ़ाव रहता है, स्मूथ नहीं रहती कि अच्छी ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी, उतार चढ़ाव रहता है जिसकी वजह से नंबर तीन को फाइटर भी कंसीडर किया जाता है, और ये फायर फाइटर्स की तरह आग बुझाने में हमेशा लगे रहते हैं। जैसे कि हमने बताया दिल आज़ारी न करने की वजह से इनकी नरम तबीयत नरम रवि की वजह से बहुत सारे लोग इनको पसंद भी कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में पैसे की जो एक उतार चढ़ाव है वो थ्री टाइम्स देखते हैं, क्योंकि आदत भी चल रहा है, यानी इनका बचपन जो है वो नॉर्मल अगर गुजर रहा है तो इनका लड़प्पन जो है वो स्ट्रगल लाइफ में एक बहुत अच्छी दूसरों से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी के, और इनका जो आखिर होता है, आखिर से मुराद कि इनका जब 33 शुरू होता है मतलब 33 बरस की ज़िंदगी को टच करते हैं तो उसके बाद अनस्टॉपेबल जर्नी होती है, यानी फाइनेंस और अपने सारे मकासद को पूरे करते हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी गलत नंबर का जुड़ जाना इनको दीमक की तरह खा जाता है, यानी इनकी जो स्ट्रेंथ 100% है, अगर कोई इनका कुलीग है, कोई इनका कज़न है, भाई है, बीवी है, मियाँ है, बच्चे, कोई भी एक गलत जिसके साथ इनका एफिलेशन है या मजबूरन है जो कुछ भी है वो इनको दिमाग की तरह खा जाएगा और ये अदद ज़ीरो पे चले जाएंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन ये ऐसा ज़रा कम देखने को मिला है क्योंकि जैसे हमने कहा फायर फाइटर हैं और हमेशा ये भागते रहते हैं, और ज़्यादातर
रंग और रंगीनी इनके मिजाज में होती है, सुर्ख, सियाह, शॉकिंग पिंक, येलो एंड डेफिनेटली जो एक्वा ब्लू कलर है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है। जितने भी ये आदत वाले अगर ये कलर्स अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो फिर ये बहुत कामयाब रहते हैं। ज़्यादातर अदब के दिलदादा होते हैं, अदब से इनको बड़ा ताल्लुक़ होता है। आईटी इंजीनियरिंग, सेल्स मैन या सेल्स गर्ल्स के तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। एक अच्छे तबीब और एक अच्छे हबीब के तौर पर भी माने जाते हैं। अगर ये कोई किताब लिखें, कोई चीज़ लिखें, पूरी दुनिया में इनका नाम होता है। लेकिन क्योंकि इनका, जैसे मैंने कहा है कि थ्री शेड इनकी ज़िंदगी के होते हैं, अगर ये अपने नंबर वन वाला जो शेड है कि जो ये हैं वही लोगों के सामने रखें तो फिर इनको बीट करना दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर तीन फलसफे की ज़बान में देखा जाए तो ये उकाब माने जाते हैं। उकाब जिनकी निगाह हमेशा नीचे शिकार पर रहती है और बहुत ऊंचा, अकेला और लोनली उड़ने और रहने की ज़िंदगी में एक आदत सी हो जाती है। वजह शायद रूहानियत का एक सिलसिला और फिर उसके बाद इनका अपना एक जो सर्कल है कि बस यही है, वो इनके हिसाब से पूरी दुनिया नहीं चल सकती है, लेकिन जाहिर है आप किसी को रोक नहीं सकते। सो नंबर तीन वंडरफुल है हमारे पास, नंबर तीन के लिए बेस्ट ऑफ लक। और नंबर तीन के बाद है नंबर जी, ये नंबर फोर वाले भाई साहब जिनकी तारीख 13 है, 13 तारीख को पैदा हुए, 22 तारीख को पैदा हुए या 31 तारीख को पैदा हुए, उनका नंबर है 4। अब आप इसमें से कुछ भी हो, आप हो नंबर 4, ठीक है। अब यहां जितने भी लोग हैं वो बार बार अगर कुछ लिखेंगे तो वो हमें नहीं समझ आएगा कि ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम तो इतनी आसान जबान से आपको बता रहे हैं। हमारा दूसरा जो चैनल है उस पर आपको इन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। और यार कमाल है, मतलब ये एक नंबर नीचे चल रहा है, मतलब आप मेरा शुरू का पहले ब्रीफिंग तो देख लो यार, 25 अगस्त को क्या नंबर है, माँ की सिरी। ये पंजाब में बहुत कमाल एक कॉमन जुमला है, जब कुछ समझ ना गया ना, माँ दी सिरी मतलब माँ का सर, ये इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा देखो मसला ये है यार, थोड़ा सा तो बंदा अकल से काम ले लेता है। 25 को जोड़ो ना, क्या नंबर बनता है, 5, 2, 7, 7 अदद है। वो जब आएगा आपको नजर आ जाएगा, या पीछे ऊपर जो टॉप चल रहा है। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, प्लीज डोंट पकाऊ टाइम। मेरा ख्याल से मैं सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूँ, क्योंकि इस तरह तो अब ब्लड प्रेशर फाड़ फूड के बाहर निकल जाएगा। मतलब मैं किन लोगों को प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, मुझे कभी कभी ये होते किसी ने ईमेल किया है, अरे भाई अपन तो के शहर में आए नहीं देखते। मैंने कहा ऐसा हरगिज नहीं है, मेरे देखने वालों में 90% वो लोग हैं जो बूमबास्टिक हैं, जो मतलब हर लिहाज से बहुत बेस्ट हैं। लेकिन हम जाहिर है एक एक बंदे को, अब जैसे किसी ने लिखा 16 नंबर है जी, मैं 16 तारीख को पैदा, मेरा नंबर 10 हूँ, मैं तुम्हें पैदा करके 10 नंबर जी। 1 से 9 तक घूमेगा, 1 से 9 तक नहीं है आप, ठीक है ना। तो अभी आपको चलिए नंबर 4 के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देते हैं। नंबर 4 एक ऐसा अदद, ये ऊपर देख रहे हो जिसका 13 तारीख को पैदा हुए, 22 को पैदा हुआ, 31 को पैदा हुआ, उन्हें ना पूछना कि तुसी क्यों पैदा हुए, मतलब नंबर के। आप लोगों के नंबर में सबसे जबरदस्त चीज ये है कि जो क्वालिटीज अल्लाह ताला ने आपको दी है नंबर 4, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है मोहब्बत और ईमानदारी। ये दो चीज़ें खत्म होती हैं नंबर 4 आदत पे। ये एक तो लकीर के फकीर नहीं होते, इनकी ज़िंदगी आग की तरह होती है, इनको जिस सांचे में डालो ये ढल जाएंगे। ये तो तख्लीकार होते हैं, नई नई जिद्दत, नई नई चीज़ों में इस्लाहात करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है। दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी शोबे में नंबर 5 को डाल दो तो आप समझ लो कि आपका बेड़ा पार है, वो सुपर हिट है। इसीलिए 4 अदद वालों को बहुत मेहनती कंसीडर किया जाता है, बहुत पावरफुल माना जाता है। इन लोगों की जिंदगी में एक
जो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहता है वो दो से तीन बार जंप करता है, मंगनी है, मोहब्बतें हैं, शादियां हैं, उतार चढ़ाव जो चल रहा होता है, जिसकी वजह से ये अपनी ब्रेन कैपेसिटी का 37% हिस्सा लूज कर बैठते हो, बड़ा परेशान होते हैं कि ये क्या हुआ। लेकिन क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मुतासर चीज़ें जो कर रही होती हैं वो सिर्फ रिलेशन है, बाकी इनको पैसा मुतासर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपनी ओन मनी पे भरोसा करते हैं जो इनके पास है। यह हसद मतलब ये अगर नंबर फोर को देखा जाए तो ये 9 के 9 जो डिजिट हैं, जितनी भी तारीखें पैदाइश है, चलो 1 से लेके 31 तक की तारीखों में जितने भी लोग पैदा हुए उनमें नंबर वन माना जाता है कि ये लोग हसद नहीं करते, लेकिन इनसाइड इनकी जो चीज़ है वो सिर्फ इनकी है। मतलब जब इन्होंने ओन किया, ले लिया, चाहे वो रिश्ता है, चीज़ है, फिर ये किसी और के साथ उस तरह से उसको शेयर नहीं कर सकते। बड़े दिल वाले अल्लाह ताला ने बनाया होता है, इसलिए हमेशा ये देने दिलाने वाले लोग होते हैं, रूहानी तौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक आम आदमी और आम औरत की हैसियत से ये मुआशरे में घूम रहे होते हैं, लेकिन ये एक सुपर पावर पर्सनैलिटी होती है। इनका अल्लाह के साथ ताल्लुक इनकी मेहनत और मोहब्बत और लगन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो पहले ज़माने में इनको काबिले भरोसा माना जाता था कि अगर आपने आंखें बंद करके किसी के पास अपने हीरों का पूरा एक बक्सा भी छोड़ के जाना है, जिसको छूकर भी इन भूखे मर जाएंगे, खुद मिट्टी चाट रहे होंगे, लेकिन आपके दिए हुए अगर आपकी अमानत इनके पास है तो उससे नमक भी नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये एक कमाल पर्सनैलिटी, आज कल के दौर में तो ये आदत फोर जो है ये आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, नेक तबीयत होती है, नेक रूह मानी जाती है, लविंग होते हैं, इसलिए इनकी मोहब्बत जो है इनको बड़ा तड़पाती है 24/7। अगर मोहब्बत में ही लूप में चलने वाले लोग होते हैं तो वो यही होते हैं, बर्दाश्त एक लिमिट तक करते हैं, उसके बाद जब ब्लास्ट होते हैं तो फिर इनसे ज़्यादा खतरनाक एनिमी, दुश्मन और तेज धार वाला चाकू जो है वो कोई भी नहीं होता है। ज़्यादातर जिन शोबों में ये जा रहे होते हैं वो इंजीनियरिंग है, टिब है, साइंस के शोबों में अकाउंट्स, ज़्यादातर जो नंबर्स हैं बैंक वैंक उसमें, ब्यूटी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, चाहे फैशन इंडस्ट्री है, चाहे पेंटिंग है, फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और ज़्यादातर लीडराना ताकत होने की वजह से ये किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पे, बड़ी पोस्ट पे ही आखिर में जो भी इनकी गेम चल रही होती है उसमें आखिर में यही होते हैं, इन्हीं की मर्जी से सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर नंबर फोर को बदकिस्मत गर्दाना जाता है, और वो है इनकी पर्सनल छत, चार दीवार। जब ये मैरिड होते हैं, जब ये रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर इनकी नहीं चल रही होती, एंगर होने की वजह से बहुत सारे रिश्तों को ये खो भी देते हैं एक टाइम में। फिर ये अपने आप को, जाहिर है इनके बारे में ये कहा जाता है कि जिस वक्त ये 31 बरस को टच करते हैं तो इनकी ज़िंदगी फिर पूरी रहमतों से भर जाती है, फिर इनको सब्र भी आ जाता है, फिर इनके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ भी नहीं होती जो बातों की वजह से, मतलब एंगर है ना, गुस्सा है, तो गुस्से की वजह से सब कुछ तबाह कर सकते हैं। सब कुछ से मुराद कि अगर इनको फ़ायदा भी हो रहा है तो ये हाथ नहीं लगाएंगे। इन लोगों को अपनी बहुत ज़्यादा जो हेयर, बाल, अपने दांत, अपनी आंखें और अपनी जो छोटी आंत है उसका ख्याल रखना चाहिए, नंबर चार वाले आदत का। इसी के साथ पूरी की पूरी गेम चल रही होती है। इन लोगों को इनामी स्कीमों में कम से कम हिस्सा लेना चाहिए, प्राइस बॉन्ड में कम से कम हिस्सा लेना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश इन लोगों के साथ जुड़ने का, फ़ायदा पहले ज़माने में ये होता था कि यार अगर आपको अपना नसीब अच्छा करना है तो जिनका आदत चार है उनके साथ जुड़ जाओ, मतलब जिन जो 4 तारीख को पैदा हुए या जो 13 तारीख को पैदा हुए, जो 22 तारीख को पैदा हुए, जो 31 को पैदा हुए, इन चारों का आदत चार है तो इन तारीखों पे, इन चारों नंबर्स पे बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके भरोसा किया जाता था। इन लोगों को जो एनिमल लैंग्वेज में जितने भी पहले इजिप्शियन लोग होते थे वो ये कहते थे कि ये एक ऐसा परिंदा है जिसका पर किसी के पास हो, यानी जिसका पर किसी के पास भी हो जाए तो उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं होता। सो इनको सुरखाब परिंदे के साथ जोड़ा जाता है। मलंग तबीयत, डाउन टू अर्थ और बहुत पावरफुल कलाम वाले। इनकी आंखों में एक अजीब सी कशिश होती है, जब आप इनको गौर से देखें तो आप बहुत सारी तकरार भूल जाओ, और ये बला के जहीन होते हैं, लेकिन इजहार बड़ा कम कर रहे होते हैं। आपकी सोच से ज़्यादा फास्टेस्ट मोड पर आपको पढ़ सकते हैं, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है थोड़ा सा फोकस करें तो ये चला सकते हैं, लेकिन ये फिर भी शोधापन नहीं करते हैं कि सानू सब कुछ पता है। तो ये नंबर चार वाले बड़े पावरफुल लोग हैं, इन पे आप भरोसा करना चाहो तो ये खासियतें इनकी देख लो। अच्छा, हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है वो हम आपको साथ साथ बता देते हैं। और अब बारी किसकी है अजीत से जानते, पहले यहाँ देखें
यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ओके, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जस्ट ऑन शुरू से देख ले माई, आप शुरू जाओ देखोगे तो नीचे हेडलाइंस पढ़ लो, न्यूमरोलॉजी के बारे में है, जिन तारीखों में आप लोग पैदा हुए हो उस तारीखों में, और जिनके साथ आप जुड़ना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उनकी आदात से वाकफियत का ये शो है। या बाद में भी देखोगे समझ आ जाएगा, मैं कितनी इसकी ब्रीफिंग दूं ये मुझे नहीं पता। तो नंबर 5, 4, 23, 5, 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
पांच, जिनका आपने जिक्र किया कि ये पांच ही है जिनसे कायनात का निजाम परवरदिगार चला रहा है। मरकरी सितारे से जुड़े हुए, जिसे उर्दू जबान में अतारट कहते हैं, इसके दो प्लैनेट इसके साथ जुड़े होते हैं, जेमिनी एंड वर्गो, नंबर 5 के अदद में आते हैं। लेकिन अगर आपकी तारीख पैदाइश 14 है, 23 है या 5 है, तो आपका अदद 5 है। ये तीन तारीखें आप लोग इसी तरह से जी रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात तो पहले आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये नंबर 5 जो है, ये एक्सट्रीम कामयाबी का नंबर माना जाता है। पंच है, 5 का जो पंच है ये माना जाता है। तकदीर इन्हीं 5 के बीच में छुपी होती है, आप बनाओ या बिगाड़ो। लंबी चौड़ी दलीलें देने की बजाय ये शॉर्टकट काम करने के आदि होते हैं कि बस काम करो जल्दी से जल्दी। अपना मेहनत वाले हैं डेफिनेटली। अगर एक बंदा दिन में 12 घंटे काम कर सकता है, तो ये 24 दिन 24 घंटे भी अगर इनको टास्क मिल जाए जो इनकी फेवरेट चीज है, तो वो ये कर सकते हैं, बोर नहीं होते। लेकिन इन लोगों का, नंबर 5 वालों की एक आदत ये है कि ये कुछ रिश्तों से बहुत जल्दी उतर जाते हैं, लेकिन जाहिर है इनको ये खुद को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डे 1 से जैसे होते हैं और आखिरी सांस तक ये अपनी आदत के साथ, अपनी शौक के साथ वैसे ही रहते हैं। जिद्दी मिजाज होते हैं, लेकिन दूरबीन माने जाते हैं कि दूर का सोचते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग इनके पास कॉन्टेंट होता है जीने का। इनके रिलेशनशिप के हवाले से जो भी इन तारीखों पैदा हुए, वो इन पे अंधा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि दिल फेंक और रोमांटिक भी होते हैं। ये आपके लिबास की सिलवटों से झांक लेते हैं कि आपका मूड क्या है। सो आपके मूड स्विंग इनके सामने नहीं चलेंगे। बहुत ज़्यादा शातिर होने की वजह से ये मौका कोई भी गवाते नहीं हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी तेज़ी से ये अडॉप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन नंबर 5 पे अगर आप लोग इस रेस का घोड़ा मानते हो और बोलते हो कि इस पे कितना भरोसा करना चाहिए, पैसे का, रुपए का, कारोबार का, अपने औलादों का, कुछ भी, तो आप आंखें बंद करो और बोलो नंबर 5 ये कुंजियाँ आपके पास हैं। इन पर इतना ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये हर चीज़ हो सकते हैं, चोर उचक्के नहीं हो सकते, दो नंबर नहीं होते। हाँ, इनमें दो डेट्स ऐसी हैं, मतलब दो टाइमिंग ऐसी हैं, होते तारीखें यही हैं, लेकिन इतने बजे से इतने बजे तक पैदा हुए तो वो दो नंबर भी होंगे, मतलब समझ आ रही है। हाँ, लेकिन हम वो टाइमिंग पे डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। इनका मकसद ज़िंदगी का अगर मुल्क से बाहर जाके हमेशा के लिए रहना, इनका मकसद अगर पहाड़ की चोटी पे कोई झंडा गाड़ना जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, हमेशा ये वही काम करते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता है इनके अंदर, तो ये वो करके रहते हैं। जिद्दी होने की वजह से ही अपना हर वो शौक भी पूरा करते हैं जो आम लोगों को नसीब नहीं हुआ होता। अपने खानदान के साथ जुड़ के रहना, रिलेशन के साथ जुड़ के रहना, महबूब के साथ इनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन एंगर बहुत है, मस्त बहुत होते हैं। फकीर तो हैं, लेकिन एंगर इनका, वो जलाल जो है उससे भी लोग डरते हैं। अव्वल तो गुस्सा आता नहीं और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये छोटी सी बात के ऊपर भड़क के पूरी जिंदगी को हिला देते हैं। इनकी कमजोरियों में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया है, रिश्ता है, लेकिन अगर इन्होंने को अचीव करना है कि मुझे इतना पैसा कमाना है, तो वो भी इनकी कमजोरी हो जाती है और वो ये कमाते हैं। लेकिन ग्रीड नहीं होती, कमजोरी एक अलग चीज है, एक है कि उसके बिना भी गुजारा कर सकते हैं, इसलिए जमीनी सतह का शख्स भी इनको माना जाता है। इसलिए फकीर हमेशा नंबर 5 वालों के पांव चुमा करते थे, कहते ये 5 वाला है, इसका हर कदम मुबारक है, जिस घर में ये पैदा हो जाए वहां रोजी रोटी की फराबानी हो जाती है। रिलेशनशिप के हवाले से कभी कभी नंबर 5 बदकिस्मत भी रहते हैं, क्योंकि इनको वो जो ट्रू लव है या रिलेशन की वो
अर्क है वो उन तक नहीं पहुंच रहा होता, फैसला हो जाता है लेकिन बाद में इनको लगता है कि थोड़ी जल्दी हो गई और पछतावे क्या जब चिड़िया चुकी खेत। इनके हाथ की बाबरकती ऐसी होती है कि जिंदगी अच्छा लंबी उम्र पाने वाले लोगों में से शुमार होते हैं, बेहद ज्यादा जीते हैं कम बीमारियों के साथ, लेकिन इनको अपने दिल का, इनको अपनी जो भी सांस के साथ जुड़ी होती है, यानी ओवरवेट अगर ये हो गए नंबर 5 वाले, तो फिर इनको वो चीजें जो इनकी कैलोरीज को बर्न करती है उन पे फोकस करना चाहिए, दिल और सांस का जो भी एक टारगेट चल रहा होता है, और उम्र के एक खास हिस्से में जो 50 को क्रॉस कर जाए तो फिर आईज इफेक्ट भी इन लोगों के ऊपर आ रहा होता है। इनकी औलादें बाबरकत और वफादार होती हैं, इन लोगों को जो रंग ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, सफेद और सियाह ज्यादा रंग इस्तेमाल करना चाहिए, लाल और नीला ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ग्रे कलर का डार्क एंड लाइट शेड सारे इस्तेमाल करें। और इन लोगों की खुशकिस्मती का दिन वेडनेसडे माना जाता है बेसिकली, लेकिन क्योंकि नंबर 5 वाले मतलब इनके ख्वाबों के साथ परवरदिगार का एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है कि जो भी ये सोच रहे होते हैं इनकी ड्रीम्स में अल्लाह की तरफ से आके हर चीज इनको पहले से पता चल जाना, इनका जो ब्रेन है वो इतना खतरनाक होता है कि ये किसी भी चीज के बारे में अगर सोच लें किसी रिश्ते या चीज के बारे में तो वो भी हो जाती है। ये है नंबर 5। तो नंबर 5 के बाद जिसकी बारी है वो हम दिखा देते हैं, लेकिन हमारे पास फिर से कोई आ गया है, यहाँ मौजूद है और जो आते हैं तो हम आपको कहते हैं कि ये है अभी नंबर 6। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा देखिए, मैंने आना नहीं था, बड़े मजे से मैं बैठ के अपना गाजर का हलवा एंजॉय कर रही थी अकेले अकेले। ओ रियली? बेटा खा रहे थे, मैंने कहा आपकी खैर है आपको, वो तो मुझे पता है। तो हम अपना गाजर का हलवा एंजॉय कर रहे थे, मगर आप लोग नहीं चाहते मैं गाजर का हलवा खा लूं। लोग इतने क्वेश्चन करते हैं, प्लीज देखें, शुरू में बता दिया, अब एक दफा और आपको बता देते हैं, नंबर सिर्फ 1 से 9 तक होते हैं, 9 से आगे नंबर नहीं है। अगर आपका नंबर 1 है 2 है 3 है तो आपका जस्ट वही नंबर रहेगा, जैसे आपको बता रहे हैं ना, अभी 6 पे जाएंगे तो जो 6 को पैदा हुआ है उसने कोई नंबर नहीं जोड़ना, वो 6 का ही है। जब आप 9 पे पहुंचेंगे वहां कहानी हो जाएगी खत्म, और जब आएगा 10, जब 10 आ गया फिर कहानी 1 से शुरू होगी, यानी 10 है तो आपने 0 को माइनस कर दिया, आप 1 के हो गए। उसके बाद जब 11 आएगा तो होगा 2, 12 होगा तो होगा 3, दोनों डिजिट को जमा करना, फिर 13 होगा तो 4 होगा, 14 है तो 5 होगा, 15 है तो 6 होगा, इस तरह फिर आप 9 तक पहुंचेंगे। जी, जब आप 20 पर जाएंगे तो 9 तक आप पहुंच गए, फिर से जब कहानी, जब आप 21 से शुरू करेंगे तो फिर आपने उसी तरह नंबरों को दोनों को मिला के एक नंबर बनाना है और आपका वो नंबर होगा। आ गया समझ? दादा वास्ता है, समझ गया। इसके बाद ही समझाऊंगी। कोई नुमान लिख रहा है, मेरा नंबर 2 है, मेरा क्या होगा? आप 2 नंबर नुमान ले, मेरे को नुमान कहानी शुरू करनी है, ठीक है? तो जो 1 वाले हैं वो कौन है? 1 है, 10 है और 19 है और उसके बाद 28 है, 8 और 2 10 होते हैं, और 10 में से आपने 0 को माइनस कर दिया तो आप, और हम स्क्रीन पे बार बार चला भी रहे हैं, नंबर ऊपर चल भी रहे हैं, तो प्लीज उधर भी थोड़ा सा देख लो, ध्यान दे दो, टीम भी हमारी जो है पानी महाखान को जवाब दो, वो कह रही 7 जनवरी को बताएं, 7 जनवरी कौन कह रही? महाखान 7 का 7 ही है, 7 का 7 ही है, हम 7 7 है। अच्छा मतलब क्या हुआ आज, खाने में क्या खाया है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, हमारी टीम हैरान परेशान है कि ये कौन लोग हैं। आज रफिया भी आई है। अच्छा माशाल्लाह, बड़े सालों बाद रफिया, कैसे आप? ठीक है, पर्सनल मैसेज पे भी आओ, बताओ जिंदगी कैसी चल रही है, क्या हो रहा है लाइफ में, और नादेली भी दिखाई दे रही थी जी। नादेली वेलकम जी। हाँ वेलकम वेलकम, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, और आप दोनों चैनल्स पे जरूर मौजूद हैं, शुक्रिया। मासूमा ने आज छुट्टी ली है, जरा उनके शायद आ गए हैं, तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मासूमा, और थैंक यू सबका शुक्रिया। शो के बाद बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हैं, मोहब्बत भेजते हैं, प्यार भेजते हैं, दुआएं भेजते हैं, और यहीं से पता चलता है इंसानियत कितनी है, यहीं से पता चलता है औकात कितनी है, यहीं से पता चलता है आपकी अपब्रिंगिंग कितनी है, तरबियत कितनी है, और वो जो 1 2 4 कुछ लिखते हैं तो प्लीज थोड़ी सी अपनी सोच को अच्छा कर लें, नहीं तो क्विट कर जाया करें, अपनी मर्जी का शो देखें, जो लोग आपको पसंद है वहां जाके शो देखें, ये जो इतने प्यार करने वाले लोग हमसे प्यार करते हैं ना, मोहब्बत, और कॉमेंट पढ़ लिया करें,
कमेंट पढ़ लिया करें कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जहां इतने लोग दुआएं प्यार भेज रहे होते हैं और आप एक दुम छल्ला बीच में आ जाते हैं कुछ ना कुछ गलत लिखने के लिए, तो आपको कैसे अच्छा लगता है? बुरी बात हो नहीं, उनके साथ भी ठीक करते हैं ना, फिर आप लोग भी ठीक करते हैं, लेकिन अपने आप को परेशान कर रहे हैं। अच्छा सोचेंगे तो मेरी तरह ग्लो करेंगे, अगर बुरा सोचेंगे बुरा बोलेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपके साथ क्या होने वाला है। आज बड़ा अच्छा मजेदार सा हमने खाना खाया बाहर ठंडी ठंडी हवा में बैठ के, और अब किसी ने अगर पूछा ना मेरा कौन सा है नंबर, मुझे आराम से अपना गाजर का हलवा एंजॉय करने दो। हम लेकिन छोड़ दूं हम बता ही जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम बार बार बता देंगे, हम किस लिए बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, पूछे। थैंक यू जी। ये स्क्रीन पे दोबारा से चल रहा है नंबर 6, आप लोग नंबर 6 वाले हो तो आप लोगों के साथ ये होगा। आप नंबर सिक्स आप लोगों ने देख लिया, आप जो लोग 15 तारीख को पैदा हुए किसी भी महीने की या 24 तारीख को पैदा हुए तो उन लोगों का अदद है 6, यानी 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को पैदा हुए तो फिर आपको देखना है ये। और वो बार बार एक बंदा लिख रहा है 30 सितंबर, खुदा दा वास्ते तुसी मैनू दसो पैदा क्यों हुए तुसी 30 का तो 3 है भाई, मतलब क्या अल्लाह रब्बा तू की कर्म कमाए हुए नी, बंदे आंदे जिस्मा ते मुंह खोते आंदे लाए हुए नी, मतलब थोड़ी सी आका तो बंदे को भी होता चो तो सुन लो। चलो यार और की दसी है तुम यार ये, चलो भी हमारी टीम वो जो बार बार पकाऊ है ना उनका बंदोबस्त वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। चलो हम आते हैं नंबर 6, नंबर 6 वंडरफुल नंबर, ये इंतहाई नर्म मिजाज सॉफ्ट कॉर्नर जो कहते हैं जी दिल में आपका है, ये पूरे के पूरे सॉफ्ट होते हैं वजूद के अंदर, इनके बला की मोहब्बत और इंतहाई ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, वफा की इंतहा होते हैं। ख़ास तौर पे इन लोगों को जैसे बड़े बहुत पसंद करते हैं, इसलिए बच्चों के लिए भी ये बड़े हल्दिर अजीज होते हैं, इसलिए आप ज़्यादातर नंबर 6 को देखोगे दरस व तदरीस से जुड़े हुए होते हैं, ये इंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े होते हैं, ये तबीब होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं बड़ों के हैं, तो हर कोई इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फितरतन ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, इनको जो मकसद अपना नज़र आता है ये बड़े कम लोगों से शेयर करते हैं और ये अपने उस मकसद को अचीव भी करते हैं। बदकिस्मती इनके दरवाजे पे लाइफ में 4 टाइम आती है, जिनका नंबर 6 है 4 टाइम। बदकिस्मती से मुराद कि अपने आलम शबाब में कोई गलत फैसला कर बैठेंगे, किसी गलत महफिल का हिस्सा बन बैठेंगे, बदनामी या पैसे का चला जाना या कोई ऐसी गैम्बलिंग जिससे इनको नुकसान हो, लेकिन इनकी जिंदगी का जो नॉर्मल पोर्शन जितना भी चल रहा होता है 33 को टच करते ही ये पहली लाइफ है 33, या तो ये टच करेंगे या ये 42 को टच करेंगे, 33 एंड 42 के बीच में इनकी गेम चेंज होती है पूरी लाइफ की और ये एक सुपरमैन होते हैं, एक सुपर विमेन होते हैं, मतलब इनकी जो नेचर अल्लाह ताला ने बनाई है इनसे आप धोखा नहीं खा सकते हो, लेकिन ये हर किसी से धोखा खा लेते हैं क्योंकि ट्रस्ट करते हैं, इनको लगता है कि जितने ये नीट एंड क्लीन हैं ये बड़ी आसानी से ट्रैप किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि बला के जहीन होते हैं, ये उन रिश्तों को अंदर तक, इनसाइक्लोपीडिया है ना ये तो पूरे का पूरा नंबर 6 वाले, तो ये अंदर तक पूरा समझ लेते हैं, लेकिन ये अपना वो बड़के नहीं मारते हैं क्योंकि ये दूसरों को मौका देने वाले लोगों में शुमार किए जाते हैं। हाँ, जहाँ पे इनकी अना की बात है, इनकी जिद की बात है, इनकी अपनी तस्कीन की बात है, वहाँ ये किसी और को जीतने नहीं देंगे। यानी कि अगर रेस खेल रहे हो आप, 9 लोग हैं और इनको उस रेस से दिलचस्पी नहीं है, तो ये कोशिश करेंगे नंबर 9 पे आ जाएं। लेकिन नंबर 6 वाले अगर उस चीज के खिलाड़ी हैं और इनकी फेवरेट है तो फिर इनसे कुछ जीत नहीं सकता है, इसलिए शतरंज के मोहरों में इनको बादशाह तसव्वुर किया जाता है। बड़े पैमाने पे इन लोगों के ऊपर लोग जुआ खेलते थे, भरोसा करते थे, अगर ये किसी जगह पे हाकिम बन के गए तो उस इदारे को ये ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से चलाते थे कि लोग हैरान हो जाते थे कि यार इससे पहले भी तो लोग आए लेकिन उन्होंने इतना अच्छा क्यों नहीं किया। और अगर ये गुलाम की हैसियत से किसी इदारे में चले जाएं तो इनसे अच्छी गुलामी कोई नहीं कर सकता, इसलिए फकीरी में भी नंबर 6 को बहुत हाई नंबर माना जाता है क्योंकि ये अपने मुशियत के लिए ऐसा कमाल रास्ता हमवार करते
हैं कि इनको झोली में पड़े पड़े ही वो विलायत मिल जाती है और ये रब के बड़े करीब होते हैं, इबादतों में या मजहबी तौर पे इमोशनली अटैच विद द वतन, हुबुल वतनी, और इसी तरह मजहब के भी बहुत ज़्यादा डीपर जाते हैं। लेकिन इनके क्योंकि मॉडर्न थॉट्स होते हैं, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है, अल्लाह ताला ने इनको ऐसा एडजस्ट किया होता है कि ये आग में आग, पानी में पानी और हवा में हवा तस्वुर किए जाते हैं। इन पर जादू बड़ी आसानी से होता है, इनको नज़र बड़ी आसानी से लगती है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हमेशा अपनी खिदमत, अगर ये किसी ऊंचे मकाम पे है तब भी ये हुबुल वतनी, जैसे हमने कहा है कि वतन के काम आने वाले, इसी तरह इंसानियत की खिदमत करने वाले, काम करने वाले, इसीलिए इनको बड़ा दर्जा अल्लाह के यहाँ भी बड़ा हासिल होता है। इसमें एक चीज़ होती है, गलत रिलेशन इनकी ज़िंदगी में 3 से 4 दफ़ा शामिल होता है, जो ये बहुत संजीदगी से मोहब्बत कर रहे होते हैं, बहुत दिल से, लेकिन वो जब टूटते हैं तो ये अपने आप को समेटने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। तो इनको अल्लाह ताला ने मौका ये दिया होता है कि रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती है, चाहे वो काम की है चाहे वो इंसान की है। ये किसी भी शख्स के बारे में कोई भी रॉन्ग फैसला नहीं करते, अगर इन्होंने देखा और कहा कि ये बंदा ठीक नहीं है तो 100% वो बंदा ठीक नहीं है। इसलिए अगर आप नंबर 6 हो या नंबर 6 के साथ रिलेशन जोड़ने जा रहे हो तो ये याद रखना कि अगर उन्होंने पहली नजर, फर्स्ट जो मीटिंग है या फर्स्ट लुक जो है वो लास्ट लुक ही समझी जाएगी, और जाहिर है इंप्रेशन आप गलत कभी भी इनके सामने मत देना। ये शायद आपके सामने इजहार तो नहीं करेंगे कि हम आपको जानते हैं, जाहिर है बड़े डीपर होते हैं, लेकिन ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन भी नहीं रखना चाहेंगे। जहां भी आप देखो कि बहुत स्वीट कलाम करने वाला कोई है, जो आपको वेलकम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो समझ लेना वो नंबर 6 है। इन लोगों को बहुत सारे शोबों में महारत हासिल होती है, कंप्यूटर, आईटी, टीचिंग, जो भी प्रोफेसर होते हैं, दवाइयाँ या हिकमत का जो काम है, डॉक्टर्स वगैरह जितने भी होते हैं, एक लीडर, सियासी लीडर की हैसियत से, मार्केटिंग के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुसव्विर बहुत अच्छे होते हैं, एक्टर या सिंगर जो भी जिस भी फील्ड में जाते हैं, डायरेक्टर या आर्ट की कोई भी एक शोबे में जाते हैं, आर्मी से रिलेटेड किसी भी, जाहिर है जैसे मैंने वतन परस्ती की बात की है, फौज, पुलिस या इन इदारों में ये खुश उसलूबी से अपने फराइज अंजाम देते हैं। और नंबर 6 वाले ज़मीन, प्रॉपर्टी के भी दिलदादा होते हैं, एंड गाड़ियाँ, लोहा, असला, इस टाइप की चीज़ें, मतलब इनमें से किसी एक इनकी फेवरेट चीज़ को इनकी हॉबी भी मानी जाती है और ये उस पर बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसमानी नीला, स्याह और पीला रंग इस्तेमाल करना चाहिए, ये इनकी खुशकिस्मती के कलर हैं, क्योंकि डे नंबर 6 का फ्राइडे माना जाता है, तो फ्राइडे के दिन भी आप कुछ भी काम करना चाहें, पिंक कलर जो है नॉर्मली इनके रूहानी कलर्स में आता है, ग्रीन एंड पिंक, वो इनकी रूहानियत को बढ़ा देता है, अगर वो भी ये इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। तो नंबर 6 एक ऐसा अदद है जिसको आप ये कह सकते हो, क्योंकि अगर ये आपकी ज़िंदगी में है तो थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कोई आसान नहीं है, मतलब ये जलेबी की तरह सीधे जरूर होते हैं लेकिन मीठे भी उतने ही होते हैं। तो ये मजेदार सा नंबर है 6। नंबर 6 के बाद आ रहे हैं नंबर 7, 16, 25, 7। नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे, अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हो, 16 को पैदा हुए हो या 25 को पैदा हुए हो, तो आपका अदद बनता है मेरे प्यारो 7, ठीक है 7 है। इसके बाद 8 और 9, बस 3 ही नंबर है टोटल, 9 नंबर के बाद फिर 1 आ जाता है, जिसका 1 है वो 10 है, आगे आगे चलते वो देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो नंबर अभी जो लोग हमें हमारी इस लाइव स्ट्रीम पे आए हैं, अगर वो 7 नंबर से पीछे किसी भी तारीख में पैदा हुए, 1 तारीख को 2 को 3 को जो भी है वो सारा, तो वो पीछे जाके हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, ये बाद में पड़ा होगा, आप मेरा शुरू का प्रोग्राम देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या क्या बात कर रहे हैं। हमारी टीम आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है बदकिस्मती से, क्योंकि इतना पकाएंगे तो वो हाजिर नहीं होंगे, गैर हाजिर हो जाएंगे। नंबर 7, हमने जैसे कहा कि अल्लाह के नंबर्स में, कायनात की ताकतों के नंबर में, खुदाई जो नंबर माना जाता है, चाहे वो किसी भी कौम का नंबर हो, चाहे वो जूश हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, नंबर 7 की अहमियत अपनी जगह पे आज भी कायम है। ये
बहुत ज्यादा डीपर तारीकी में भी ये तारीकी की इंतहा तक पहुंच के रोशनी का सिरा निकालने वाले लोगों में होता है। इन जैसी सोच किसी की नहीं होती। जो लोग 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा हुए, इनमें 2 तरह की रंग पाए जाते हैं। एक मस्त, जिसको कोई छू भी नहीं पाता। इनके लेवल पे आने के लिए आपको इन तारीखों में ही पैदा होना पड़ेगा, वरना बाकी जितने भी 1 से 9 तक के नंबर हो, इनके इर्द गिर्द भागते रहेंगे चुमूनों की सूरत में। मतलब ये किसी को कुछ अपने बराबर नहीं समझते। हमसे बड़े तो बहुत हैं, लेकिन हमारे बराबर कितने हैं ये उनको देखते हैं। भरोसे वाले इतने होते हैं कि आप इन पे अगर ये ट्रस्ट करो कि जी खुला घर है, इसके अंदर दुनिया की हर कीमती चीज है और आप प्लीज जरा ध्यान रखिएगा, तो फिर ये अपना घर बार छोड़ के आप ही के घर का ध्यान रख सकते हैं। वो चाहे कितनी ही कीमती चीजें हों, वो इनके लिए बेमानी मानी जाती हैं। नंबर 7 वाले बहुत गुस्सीले भी माने जाते हैं। उनका एंगर हर वक्त नहीं होता, लेकिन उनका एंगर पूरी कायनात को आग लगा के जला देता है। इनके अल्फाज जाहिर है, जैसे नंबर 1 वाले हैं, आदत 1 वाले, आदत 10 वाले, आगे भी बाकी जो नंबर्स हैं, 1 के साथ इनको जोड़ा जाता है तो इनकी काली जबान के चर्चे पूरी कायनात में होते हैं। पहले ज़माने में लोग अगर किसी की तारीख़ पैदाइश 16, 25 या 7 होती थी तो उस घर में कई कई दिन जश्न मनाया जाता था, और उस घर में 7-7 दिन तक हर तरफ से, मतलब उस घर में आग लगाने की इजाजत नहीं होती थी कि चूल्हा आपने नहीं जलाना, सुबह दोपहर शाम जब भी चाहेंगे अनाज खाना आपको हम देंगे, क्योंकि आपके घर में एक भगवान अवतार, रब अवतार टाइप का बंदा आ गया है। और ये काफ़ी लंबी जीने वाले लोग होते हैं। लोगों की खामियों में, जो लोग मानते हैं कि जी इनकी खामी क्या होती है, ये अब जाहिर है दोस्ती में तो एक सर्कल अपना बहुत ज़्यादा इनका बज़ाहिर नज़र आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके सेलेक्टिव लोगों में 2 से 3 लोग ही होते हैं। मोहब्बतें इनके ज़िंदगी में कई बार होते हैं, मोहब्बत नॉट अफेयर, नॉट उनसियत, मोहब्बत, क्योंकि ये नेचर से लेके रब तक और सबसे लेके अब तक ये मोहब्बत के लिए ही बने होते हैं। और इन लोगों को रिटर्न में कभी कभी सिर्फ चप्पल मिल रहे होते हैं, जो इनकी फितरत को बिल्कुल एक तलातुम खेज मौज बना देती है, और ये फिर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनके ट्रस्ट को बार बार तोड़ा जाता है। ब्रेन मेमोरी इनकी बड़ी शार्प होती है, इनकी याददाश्त कमज़ोर बहुत कम होती है। आप नंबर 7 वालों को देखें, इनको बचपन, आगे, फ्यूचर, हर चीज़ याद रहेगी। इनकी तबीयत क्योंकि एडजस्टेबल मोड पे होती है, आप इनको किसी महफिल में ले जाओ, ये वही चीज़ वही उगलना शुरू कर देंगे, लोग हैरान होंगे। और क्योंकि इनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी माना जाता है, इनके पास छोटे छोटे उलूम का या इनकी हर चीज़ के बारे में मालूमात का होना ये बड़ा अहम होता है। नंबर 7 बड़े पावरफुल लोग होते हैं। आप डेफिनेटली इनको आराम, कोई अच्छी प्लेस, जगह, ये सब कुछ बहुत पसंद है, लेकिन क्योंकि मेहनत कश लोग होते हैं इसलिए ये अपनी मेहनत का कमाने के बाद ज्यादा खुश होते हैं। इनके पाँव में चक्कर होता है, हमेशा सफर में रहते हैं, सफर से मुराद छोटा या बड़ा, लेकिन हमेशा जिंदगी को सफर की तरह ही गुजार रहे होते हैं। दुश्मन इनके दरपर्दा, मैजिक, जादू, बुरी नज़र से इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। इनसे ज़्यादा लकी दुनिया में कोई नहीं होता है। नंबर 7, नंबर 7 पावरफुल फाइनेंशियली हर चीज़ से, लेकिन इनका जो डाउनफॉल होता है, ज़ाहिर फ़कीरी ज़बान में अगर हम बात करें, तो इनको काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो निगाह सयाह है, निगाह बद जो है, और जादू, वो इनको रोक सकता है। इनके दोस्तों में सिर्फ 2 लोग पूरी जिंदगी में, यानी चाहे वो बहन भाइयों में हैं चाहे कोई भी है, 2 ही लोग ऐसे हैं जो इनको सिला देते हैं, क्योंकि ये मेहरबानी करने वाले लोग होते हैं। और ये नॉर्मली कई सफर करने के बाद जहां ये पैदा होते हैं उसके अलावा किसी और मकाम पे जाके ये अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। थोड़ा नेचर से इनको मोहब्बत है, पहाड़, दरिया, पानी वगैरह। शादी इनकी सक्सेसफुल होती है लेकिन बज़ाहिर नजर आती है, इनसाइड इनकी स्टोरी जो चल रही होती है वो खिला होता है। जाहिर है वक्त से पहले के शादी का हो जाना और फिर शादी के बाद कंप्रोमाइजेस इनकी जिंदगी का एक हिस्सा लगा रहता है। लकी 7 की अगर उन्हीं के बराबर या मैचिंग स्टार में शादी हो जाए तो फिर इन लोगों की औलादें इनसे ज्यादा
पावरफुल होती हैं, वफादार होती हैं, इनको उसका बड़ा सुख मिलता है। और अमूमन अगर इनकी सेम प्लैनेट में, सेम प्लैनेट्स मुराद के जो मैच करते हैं सितारे, वो कोई भी अदद हो, अगर मैच हो जाए तो फिर इन लोगों से ज़्यादा पावरफुल जोड़ी किसी की भी दुनिया में नहीं होती है। बस इन लोगों का जो नॉर्मली है, इनको मंडे इनका लकी डे कंसीडर किया जाता है, लकी सेवन का। और इनके साथ जो ग्रीन कलर को मंसूब किया जाता है, ब्लैक कलर को मंसूब किया जाता है, ब्राउन को मंसूब किया जाता है, लाइट ब्लू जो है वो भी है। और इनकी तरक्की के लिए दिन रात बैकअप पे भी, रूहानी तौर पे भी बहुत सारे फरिश्ते भी वर्क कर रहे होते हैं, जिनका रूहानी सिलसिला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह के करीब होने की वजह से ये ख्वाब में बड़ी मुकद्दस हस्तियों को कभी कभार देखते हैं। लेकिन अगर ये डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपनी जिंदगी में कि नहीं हम तो गलत राह पे चल पड़े हैं, फिर इनके लिए बहुत मुश्किल गेम ऑन हो जाती है। लेकिन बिलाखिर इनका जो एंड है वो उसी नुक्ते पे होता है कि हमारे लिए रब ही सब है। इसलिए आप नंबर सेवन पे आंखें बंद करके भरोसा करें, आपकी फैमिली, आप 100% सेफ हो। लेकिन ये याद रखना कि एंगर और इमोशनल इनकी मिट्टी में मिला होता है। अगर आप इनको टैकल कर सकते हो तो ये एक मूज और घोड़े हैं, अगर आपने इनको कंट्रोल कर लिया तो पूरा जीवन आपका सुखी हो जाता है। नंबर सेवन के बाद बारी है नंबर एट की। नंबर एट, 17 26, नंबर एट। नंबर एट जो 8 तारीख को पैदा हुए, 17 को पैदा हुए और 26 को पैदा हुए, उन लोगों का आदत है 8। जो लोग अभी आए प्लीज लाइक को हिट कर दीजिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक होते हैं लकी नंबर्स, ठीक है, वो नंबर्स भी हम बीच में बता देते हैं। और एक होते हैं जो आपकी पैदाइश का नंबर है, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ जरूरत नहीं होती, वो एक अलग कहानी है। आपका जो डे है, यानी 3 तारीख को पैदा हुए तो 3 है, 13 को पैदा हुए तो आप 4 अदद वाले हो, आप 17 को पैदा हुए तो आप 8 अदद वाले हो, समझ आ गई। दोनों को जमा करना है। आप अगर 32 तारीख होती नहीं, वरना 32 को भी पैदा हो ही जाते, हम देसी जो है ना, इंडिया पाकिस्तानी, हम तो 35 को भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन चलो ये है। और लकी 7 के बाद लकी 8 की बारी। अगर आप नंबर 8, उफ, सेकंड लास्ट, इल्मे जफर में इस नंबर को सेकंड लास्ट नंबर माना जाता है। ये परवरदिगार की एक खास अता होते हैं नंबर 8 वाले, जो लोग 8 तारीख को पैदा हुए, 17 को पैदा हुए, या फिर किस तारीख को पैदा हुए आपने देख लिया ना, और किस तारीख को पैदा हुए आपकी डेट आपकी स्क्रीन पे 26 तारीख चल रही है, ठीक है, 26, 17 और 8। ये एक क्रिएशन अल्लाह ताला की ऐसी है कि जिनकी वजह से कायनात चल रही होती है, ये छोटी उम्र से ही बहुत बड़े हो जाते हैं। इनकी सोच, इनके हालात ऐसे होते हैं कि ये बड़े पावरफुल तरीके से आगे बढ़ते हैं। जिस उम्र में लोग अभी खेल कूद रहे होते हैं, ये उस उम्र में मिच्योर हो जाते हैं और इनका ब्रेन काम कर रहा होता है। पैसा कैसे बनाना है इनको मालूम है, लेकिन हक हलाल की खाने वाले लोगों में से होते हैं, दूसरों की तरफ निगाह नहीं कर रहे होते। लेकिन इनसे ज्यादा खतरनाक इंसान भी दुनिया में नहीं पैदा होता। खतरनाक इन सेंस में कि अगर इनकी दुश्मनी किसी से हो गई तो वो अपनी खैर मनाए, मतलब ये हाथ से शायद मार पीट के सुकून हासिल न करें, लेकिन इनसाइड ऐसी गेम करेंगे कि आपकी जिंदगी अजाब हो जाए। वो कहते हैं ना, मौत मांगे और मौत ना मिले, नंबर 8 वाले, क्योंकि रब की ये खास करम नवाजी होती है। इन्हीं के लिए वो जुमला बना था, न छेड़ मलंगानू, ये 8 नंबर मलंगों का नंबर माना जाता है। कारोबारी सतह पे ये एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, स्टार्ट इनका बहुत लाइट वे में होता है, जॉब करना या थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करना। अगर ये देखो, एक आदत होता है जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, वो भी ये 8 ही है, लेकिन उनकी जिंदगी में उनके हिसाब से इनकलाबी कैफियत चल रही होती है। तो यहां जो जिंदगी की हम बात करें, नॉर्मल जितने भी लोग पैदा होते हैं उनका बारीक बीन होते हैं, हर चीज की तह में पहुंच जाते हैं। जब भी आप इनको किसी चीज के खरीदने या काम करने का मशवरा दो, तो ये सबसे पहले उसकी साइड इफेक्ट्स पे गौर करते हैं कि अगर ये ना हुआ, अगर ये हुआ,
इसलिए ये मजबूत आसाब के लोग होते हैं, इनको वो नुकसान नहीं होता। ये पूरे 100 के 100 नंबर्स एक ही बार में नहीं खेलते, इनको सबसे बड़ा जुआरी या गैम्बलर तसव्वुर किया जाता है। ये बहुत सारे लोगों को देते हैं, इसलिए ये मोहताज कम होते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ पानी और खुश्क रोटी के साथ भी, और शुक्र इनकी जबान में रहता है। इन लोगों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के लिए ये स्ट्रांग नहीं होते, जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल ऑलवेज हाई रहता है। इनको घर के बाहर जाके कभी कभी ज़्यादा सुकून मिलता है, वो जिनके रिलेशनशिप मैच में नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं तारीख़ पैदाइश मैच करवाना बड़ा ज़रूरी है इनके ऊपर ज़िंदगी में, पूरी जिंदगी वैसे, क्योंकि इनकी जिंदगी 91 साल तसव्वुर की जाती है। हम 2023 की बात कर रहे हैं, क्रिस्प हो रहा है, पहले 1600 साल भी होती थी, लेकिन 91 ईयर मानी जाती है। इसलिए इनकी जिंदगी में 3 बार बहुत सीरियस नोयत का ये मौत को छू के गुजर जाते हैं। लंबी उम्र होती है, लेकिन जो जादू की सतह है वो 91 बार ही होती है, यानी साल में एक दफा भी हो सकता है, महीने में एक दफा भी हो सकता है, लेकिन 91 टाइम इनकी जिंदगी में बुरी नजर मैजिक लगता है। लेकिन ये 100% उससे सेव होते हैं, इनको वो नुकसान पहुंचता है लेकिन वैसा नहीं कि जान चली जाए, मुतमईन होते हैं। इसलिए ये अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, बेरा रवि का शिकार होते हैं इनमें से कुछ नंबर, मतलब नंबर वही है, टाइम में पैदा हुए लोग जिनके लिए कोई जो गलत काम है वो भी इतने भले तरीके से कर रहे होते हैं कि इनको लगता है कि चलो जी हमारा हक है, बस हम इसके बगैर नहीं रह सकते, चाहे वो ड्रग है, चाहे वो कोई काम है, कुछ भी है, लेकिन ये दूसरों को तकलीफ नहीं देते हैं। लड़ाई झगड़े से दूर रहना इनके लिए वो होता है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि इनको किन शोबों में बड़ी कामयाबी होती है, तो इनको जो एजेंसियां सीक्रेट होती हैं उनमें बड़ी कामयाबियां मिलती हैं, फौज पुलिस या सीक्रेट जो भी काम करते हैं उनमें, तबीब बड़े अच्छे होते हैं, ये नंबर्स की जो भी बैंकर होते हैं, प्राइस बॉन्ड मनी चेंजर स्टॉक मार्केट के बड़े दिलदादा, यानी जिसमें भी नंबर्स या रुपए का ताल्लुक है, ये उसमें बड़े कामयाब होते हैं। आर्टिस्ट और एक बहुत बड़े लीडर की इनके अंदर क्वालिटीज पाई जाती हैं, इसलिए ये कोई भी चीज तख्लीक कर सकते हैं, अच्छे लिखने वाले होते हैं, और इनकी ब्रेन मनी इनको ज्यादा फायदा देती है। ये जिस्मानी मुशक्कत से ज्यादा ब्रेन मनी अगर ये हासिल करते हैं तो इन्हीं को देख के लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि यार इनको फॉलो करना। नंबर 8 वाले आसानी से दुनिया में पैदा नहीं होते, इसलिए 3 ही नंबर्स हैं। इन तारीखों में शाहजो नाजरी को पैदा होता है, ये हालात का जायजा लेते हुए अपने आप को वैसा एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द कुछ मनहूस लोग, मनहूस जो मतलब जानबूझ के गुस्से होते हैं, उनसे ये निजात नहीं पा सकते, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी स्लो रहती है। अगर ये मर्द हैं तो इनसे ज्यादा अच्छा शौहर कोई साबित नहीं होता, अगर ये औरत है तो इनसे वफादार बीवी कोई साबित नहीं होती, मोहब्बत इनके ऊपर खत्म होती है। अगर आप लोग लैला मजनू के किस्सों में जाते हो तो मजनू जो आया वो उसका अदद 8 माना जाता है, आप शीरी फरहाद में जाते हो तो जो शीरी है उसका नंबर 8 माना जाता है, अगर आप यूसुफ खान शेरबानो जो एक लोक कहानी के तौर पे आता है तो उसमें जो यूसुफ खान है उसका नंबर भी 8 माना जाता है। तो ये सारे जो रोमांटिक बड़े लोग हैं, वली अल्लाहों में आप पीछे चले जाओ तो बड़े बड़े जो हाजी अली हैं उनका नंबर 8 माना जाता है, बड़े इमाम सरकार है उनका नंबर 8 माना जाता है, बहुत सारे डिफरेंट हैं जो उनके नंबर्स के हिसाब से डेट के हिसाब से मान रहे होते हैं। सो पावरफुल नंबर है, रूहानी नंबर है। इनसे दो ही चीज़ें लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तख्त या तख्ता, इनका मिडिल नहीं होता ये, या बहुत ज्यादा चाहिए कुछ नहीं चाहिए, इनका दरमियान वाला वो नहीं होता। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हालात देखकर ये चल रहे होते हैं, बुढ़ापे से हमेशा खौफजदा रहते हैं, छोटी छोटी चीज इनको बाज़ूकात बड़ी तकलीफ देती है, जब इनके वजूद के ऊपर कोई चीजें आ रही होती हैं, यानी अगर स्किन खराब होगी, बाल गिर गए, तो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं और ये फिर उसका कोई हल निकालने के लिए निकल आते हैं। मोहब्बत इनको कभी भी किसी से कभी भी किसी भी जगह पर हो जाती है। इन लोगों को ज्यादा जो कलर पहनने चाहिए वो स्याह रंग, सुर्ख रंग, ज्यादातर ग्रे कलर का इस्तेमाल को करना चाहिए, और ग्रीन में जितना भी डार्क एंड लाइट है, वैसे भी 2023 का जो कलर है वो ग्रीन है, फॉरेस्ट ग्रीन आप जितना पहनोगे आपके लिए अच्छा हो जाएगा। और इन लोगों के लिए जाहिर है बहुत सारी तब्दीलियां लाइफ में जो चल रही होती हैं उनमें 2023 इस अदद वालों को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। नंबर 8 के साथ अगर आप कारोबार करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि अपनी बेटी, अपना बेटा या कोई भी इस नंबर में जो भी तारीख में पैदा हुआ है आप उसको दे दो, तो मेरे कहने पे आप दे दो, क्योंकि वो सुखी भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, उनकी जिंदगी एक बहुत कामयाब मर्द या औरत के साथ गुजर रही होगी जिनमें औलादों की कोई कमी नहीं होती है। एक अच्छे माँ बाप दोस्त और इंसान की हैसियत से इस मुआशरे में जाने जाते हैं। दिस इज Number 8.
नंबर एट के बाद है लास्ट नंबर, सुपर नंबर, सुपर से भी ऊपर नंबर, नाइन। 18, 27, 9, नंबर 9, और ये नंबर 9 चल रहा है आपकी जिंदगी में लास्ट। यहाँ पे देखते हैं जी, प्लीज आप लोग अभी आए हो तो आप लोगों ने अगर ये नंबर नहीं दिया है अभी तक, थम्स अप नहीं दिया तो दे दें। अच्छा, यहाँ किसी ने लगे ये क्या बर्थ डेट का नंबर है? हाँ जी, जिस तारीख को आप पैदा हुए, मतलब पूरी ईयर की बात नहीं कर रहे, डे, जिस डे, अगर आप अभी जो नंबर चल रहा है वो नंबर 9 चल रहा है। अगर आप किसी भी महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी महीने की 9 तारीख को पैदा हुए हो, 18 तारीख को पैदा हुए हो या 27 तारीख को पैदा हुए हो, तो फिर आप ये देख लो। ऊपर नंबर इसीलिए हमने चला दिए कि इन तारीखों में से किस तारीख को आप पैदा हुए हो, तो उस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी, या फिर आपका महबूब, या फिर आप जिनके साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, आपको नहीं पता आप किस तारीख को भाई पैदा हुए हो, कहेगा जी 6 जनवरी को पैदा, तो आपको पता चल गया कि भाई इसका आदत 6, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसके बारे में, ताकि आप कल को कोई धोखा ना खाओ, कोई ऐसी चीज ना हो जो आप लोगों को प्रॉब्लम दे दें। तो हमारे इस प्रोग्राम में, वैसे तो वीकली हॉर्स को फ्राइडे को आप देखते हो, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा एडवांस आप लोगों के लिए ये कर दें। और प्लीज जो लोग इस शो में अपनी औकात दिखा रहे हैं, उनकी औकात ये है कि हमारी टीम उनको बैन ब्लॉक कर देगी, आप कहीं और जाके उगल दें, और यहाँ आपका दाखला ममनू है। ये सिर्फ फैमिली चैनल है भाई साहब, आप अपना वो जो अकलमंदी है वो किसी और चैनल पे जाके करें, या साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो जाती है। आप देखते हो आपको जो ब्लॉक किया जाता है 300 सेकंड के लिए, वो सिर्फ ब्लॉक ही नहीं होता है, आप पे हरासमेंट के लिए भी वो डाल देते हैं। अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कल को, अभी क्योंकि ये लिंक अप हो रहा है CIA, FIA, जो भी इमिग्रेशन होती है, जब आप मुझसे बाहर निकलते हो, तो अगर आप बुली हो तो YouTube हो या कोई भी चैनल हो, जहां भी आप लोगों के लिए कानूनी उलझन डाली गई है, तो सारा आपसे सवाल जब आप सख्त होते हैं, किसी मुल्क में जाओगे तो उनको पता है कि ये क्या है। तो अभी आपको पता है जैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो अगर वो किसी और मुल्क में हो रहा, अभी तो खैर ये करीब करीब था ना, कतर वतर, किसी यूरोप कंट्रीज में हो रहा होता है, तो पूरी एक लिस्ट आती है इमिग्रेशन को, अमेरिका को आ जाएगी, ब्रिटिश को आ जाएगी, वो पूरी लिस्ट आती है कि ये फला फला बंदा है, वो कैमराज में हर एक को देखते हैं, फेस रिकग्निशन होता है, उसकी पूरी डिटेल निकल आती है, जाहिर किसी ना किसी जगह ड्राइविंग लाइसेंस उसका एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड कुछ तो होता है ना। तो वो ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं जो CIA के पास, वो पूरे का पूरा एक सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर में डाल देते हैं, फिर दुनिया में किसी भी मुल्क से आप निकलना चाहोगे, आपको लग रहा होता बाजार किसी भी चैनल पे आके कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं इसलिए बता रहे हैं, साढ़े चैनल पे आके तुम ये भी करो, असी तो डिलीट ही मार देना फिर, लेकिन बाकी किसी जगह जाके करोगे जिनको नहीं पता, तो आपको बताएंगे व्हाट इज अ बेसिकली अ साइबर क्राइम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नंबर 9 वालों पे। इधर आके तो सिर्फ मूड ही ऑफ होता है, मतलब किसी एक गंदी मछली की वजह से ना मूड ऑफ ही होता है कि हम किन के लिए शो कर रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए कर रहे हैं जो बहुत प्यारे बच्चे हैं। नंबर नाइन सबसे बड़ा नंबर माना जाता है इल्म जफर में। इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि 1 से 9 तक की जो हुकूमत है उसमें 9 के ऊपर कोई नंबर नहीं है, इसलिए ताकत की इंतहा इस नंबर को माना जाता है। अगर आप 9 तारीख को पैदा हुए हो, 18 को पैदा हुए हो, 27 को पैदा हुए हो, तो फिर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बादशाहत, जाहो जलाल, सुपर मूडी, फौलादी कुवत रखने वाले, बला के जहीन और भरोसे की इंतहा नंबर 9। इनमें एक चीज तो यह छुपी होती है कि जब पैदा होते हैं तो बस समझ लो कि कामयाबी अब इनके पीछे दुम छल्ला बन के चलती रहेगी, ये जो जो करेंगे वो एक सनद बनती जाएगी। तालीम इनकी कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तालीम इनकी ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फितरतन इनके ब्रेन 3 टाइम दूसरों से ज्यादा फास्ट चल रहे होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनकी जिंदगी में कोई भी रुकावट आए उसको दूर करना ये बड़ी आसानी से जानते हैं। इन लोगों के यहाँ एक चीज को बहुत ज्यादा फोकियत दी जाती है, वो है मजहबी रसूमात, मजहब। यानी अगर ये जिस घराने में पैदा हो गए तो इनसे ज्यादा उसका नजरिया चेंज होते रहते हैं इनके, लेकिन ये अपने फितरती तौर पे ये बड़े अल्लाह वाले कंसीडर किया जाते हैं, अंधा एतमाद करते हैं रब पे और बिल्कुल भरोसा नहीं करते सब पे, क्योंकि इनको ये पता है कि जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पे किस तरह से संगलाख पहाड़ों को चीर के अपना रास्ता बनाया जाता है, तो इनके नजरिए से आपका नजरिया मैच करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये बला के
जबरदस्त पावरफुल सियासतदान होते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हर कोई एक्सेप्ट करता है। ये प्लानर्स होते हैं, अगर ये इकोनॉमी के किंग हैं, एक स्टॉक मार्केट के अगर ये किंग हैं, क्रिप्टो में हैं, ये किसी भी चीज में शामिल है, खासतौर पे लैंड एंड प्रॉपर्टी इनकी फितरत का हिस्सा होता है, नौ अदद वालों का जो भी इन तारीखों में पैदा हुए हैं। तो ये आर्टिस्टिक मिजाज के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि जितना इनको निचोड़ो इनके अंदर से सिर्फ हुब यानी मोहब्बत और दोस्ती और वफा निकलेगी। एंगर बाकी नंबर्स की निस्बत बहुत ज्यादा जलाली कैफियत होती है। इबादत ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, एक होता है बस सीधा सीधा चल रहा है, क्योंकि दिन और दुनिया साथ लेके चलने वाली फहरिस्त में ये नंबर वन पे होते हैं। हालात का मुकाबला करने वाले नंबर नाइन पे लोग जा रहे होते हैं। मुझे थोड़ा सा एक मिनट मैं यहां भी देख लेता हूं, बताइए क्या है। अच्छा जी ओके अच्छा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हूँ तो मैम ने ये सुपर चैट के लिए कहा है, एक तो मीटिंग किया, थैंक यू वेरी मच 10,000 जो सुपर चैट आपने भेजी है, और ये मुस्लिम गर्ल इंडिया से आपने भेजी, इसके लिए थैंक यू, वंडरफुल। अल्लाह ताला आपके जो बुजुर्ग मरहूमीन हैं उनके दर्जात बुलंद करें और आपको कभी किसी कमीने की मोहताजी ना दे, अपने खजाने खास से बहुत दे। 24 राशिद अमीन साहब 24 यूरोज आपने भेजे हैं, इसके लिए परवरदिगार आपके खजाने भर के रखे, आपको दुनिया की और आखिरत की तमाम खुशियां दे, जो भी मन है जो भी आपने सोचा है उसके लिए आपने दो दफा भेजा है। और राशिद भाई आपके लिए दिल से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरू करे, और बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सुपर चैट जितने भी लोग हैं यहां भी कर सकते हैं वहां भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। ओके अब आते हैं दोबारा से नंबर नाइन पे, इन लोगों पे नंबर नाइन क्योंकि ताकत की इंतहा होती है, इन लोगों को अपने घर के अंदर एक किला महसूस होता है। सफरी स्टार भी इसको माना जाता है अदद, क्योंकि नौ वाले जो होते हैं ये हमेशा छोटे बड़े सफर में ही रहते हैं। इन लोगों की जिंदगी क्योंकि जहानत पे बेस करती है, तो इनका जहां दिल से रूह से कोई आवाज आती है, कनेक्शन अल्लाह के साथ स्ट्रांग है ना अदद नाइन का, तो जब आवाज आती है तो ये बिल्कुल खामोशी से अपना वो सफर समंदर की तरह करते हैं, गहरे बहुत होते हैं, इनको पढ़ ले कोई बहुत आसानी से ये मुमकिन नहीं है। ये अपनी जिंदगी का सिर्फ 5% हिस्सा लोगों को शो करते हैं और 95 इनके अपने लिए होता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे उनकी डार्क फैंटेसीज हैं, चाहे उनका मनी है, चाहे इनकी औलादें हैं, माँ बाप हैं, क्योंकि भरोसे वाले इसलिए इनको नंबर वन ना है तो नंबर नाइन, लेकिन इसको नंबर वन कंसीडर किया जाता है टॉपर पे, क्योंकि इन लोगों को अगर किसी भी इदारे की जिम्मेदारी दी जाए तो नुकसान नहीं होता। इन लोगों का एक नुकसान ये होता है कि इनके दुश्मन बहुत होते हैं, पर्दा और दर पर्दा दोनों, इसलिए इन पर जादू बड़ी आसानी से होता है, चाहे जितने भी एक्सट्रीम पे वजायफ वगैरह कर लें। इन लोगों के काम की रुकावट इनके मुकाबले में कोई नहीं कर सकता, यानी अगर इनके मुकाबला करें और फाइट करके इनको हराना चाहें तो आप बेवकूफ़ी करेंगे। इनको हराने का एक ही तरीका होता है और वो है बोडो, मैजिक, जादू। ये किसी भी शोबे में कामयाबी की इंतहा होते हैं, हर चैलेंज को कबूल करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द जो लव रिलेशनशिप होते हैं वो बड़े भूंगे होते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज करके उस लव को चलाते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन इनको एंड पे सिर्फ मिलती है गुठली, और वो भी आम की, जो किसी काम की नहीं होती है। आम की वो किसी काम की नहीं होती, गुड है, इसको भी मैं किसी गजल में शामिल करूंगा। ओके तो यहां पे मुशाहिदात की इंतहा होती है, ये रात की तारीकी में ज्यादा एक्टिव होते हैं, इनके ड्रीम्स या इनकी खुली आंखों से जो विजन या थॉट्स होते हैं वो दूसरों की जिंदगियों को बदल देते हैं। ये अगर पैसा कमाने पे आए तो इनसे ज्यादा खून पसीने और मेहनत की कमाई कोई नहीं कर सकता है। ट्रस्ट इन पे लोग बहुत करते हैं। कुछ डेट्स हैं जो लोगों के पैसों को खेल रहे होते हैं, यानी इनको ये पता है कि गेम जिंदगी की कैसी करनी है, किसके इमोशन से कैसे खेलना है, शिकस्त तस्लीम नहीं करते। इसलिए अगर ये रॉन्ग टाइम है, डेट यही होती है, टाइम में पैदा हो गए तो फिर इनसे ज्यादा जो इविल जीनियस ही कहेंगे वो कोई नहीं होता। इनको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, जैसे हमने कहा कि जादू से ही दे सकते हैं। अगर आप इनकी किसी बात से इख्तलाफ करेंगे तो फिर आप इनकी किताब का पन्ना नहीं होंगे, वो पन्ना फाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि इनको ना सुनने की आदत नहीं होती, इसीलिए खताएं ज्यादा खाते हैं। ईमानदार होते हैं, रब की तरफ इनका झुकाव ज्यादा होता है। इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं दुनिया में, चाहे लोहे का काम है, गाड़ियां खरीद रहे हैं, मोबाइल फोन का काम कर रहे हैं, आजकल के दौर की हम बात करेंगे,
करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हैं, पुलिस में है, फोर्स में, एजेंसियों में है, टेलरिंग का काम करते हैं, फनून लतीफा से किसी भी शाख से हैं, तो ये नंबर वन माने जाते हैं। जिस प्रोजेक्ट में इनका नाम लिख दिया जाए वो कभी भी अमर ना हो, ये हो नहीं सकता। इसीलिए हिंदू ज्योतिष हो या पूरी दुनिया में कोई भी लोग हो, वो नंबर 9 को बहुत हाई नंबर देते हैं। अपनी अपनी जगह सभी नंबर की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन नंबर 9 के बाद जिंदगी रिवर्स हो जाती है। ये अपने से आगे किसी को जाने नहीं देते, इनके बाद फिर नंबर 1 पे ही आपको आना होता है बैक से, लेकिन ये इसीलिए सबसे सुपर नंबर माने जाते हैं। लंबी जिंदगी जीने वाले होते हैं, इनको ज्यादातर बीमारियां मैदे और आंखों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। याददाश्त इनकी क्योंकि बहुत बला की एक्सट्रीम तेज होती है, इसलिए आप इनसे कोई चीज छुपा नहीं सकते। झूठ बोलने वालों से शदीद नफरत होती है। इनके रंगों में स्याह रंग, सुर्ख रंग, पिंक की जितनी भी किस्में हैं, सुनहरा रंग और हरा रंग, ये इनका फेवरेट और इनकी जिंदगी का बड़ा पावरफुल नंबर, और मंगल के दिन यानी ट्यूसडे इनका खास नंबर माना जाता है। नंबर 9 के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं, एक झूठ नहीं बोल सकते और धोखा नहीं कर सकते, वरना खत्म। ये है नंबर 9। मेरे प्यार दोस्तों, आप लोगों ने अगर देख लिया कि ये नंबर हमने आज क्या दिए, ठीक है, सोचो प्रोग्राम का खुलासा करते हैं। प्रोग्राम एंड हो गया, हमने लेट शुरू किया थोड़ा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें टाइप करनी होती हैं आप लोगों के हिसाब से, फिर बाहर का भी काम, ये भी वो भी। एक तो ये कि नंबर्स आप देख रहे हो 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, आप इन्हीं में पैदा हुए हो। अब आप कहोगे कि जी हम कैसे, मतलब हमारी तारीख बताए तो 27 है, तो आप ढूंढो किस स्लाइड में 27 लिखा है, बस उसको आप सुन लो, किस में 26 लिखा है आप उसको सुन लो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा आप हमारे ये प्रोग्राम चल रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे लोग जो मेरे बाहर के टूर्स होते हैं, अमेरिका, कैनेडा, UK, यूरोप, तो उसमें बिलमुशाफा मुलाकात या कोई भी अपनी हिसारबंदी या मैजिक क्लिनजिंग कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ईमेल जो सामने चल रहा है theraja@hotmail.com, इस पे ईमेल कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। होपफुली सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 डेज मैं UK में होऊंगा। इस 4 डेज में अगर आप लोग मीटिंग करना चाहते हो, कोई चीज़ तैयार कराना चाहते हो, तो वो आपको बिफोर यानी 2 डेज के अंदर अंदर ही सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, क्योंकि पहले से ही सब चीज़ें तय होंगी और फिर ही मुलाकात हो सकती है। यानी कमिंग सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, जस्ट 4 डेज, ठीक है। ये सिर्फ यूके का एक छोटा सा टूर है, लंदन, बर्मिंगम, मैनचेस्टर, दैट्स इट। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और अब मैम को हम बुलाते हैं, मैम आके खुलासा करेंगी कि ये क्या क्या है और जिंदगी आपकी कहां से कहां। आप ले सारी चीजें ले आए, फिर बैठ जाए आप आराम से, फिर एक एक करके यहां ओपन करते रहे। ले आए, ले आए, ले आए, ले आए। आप वो भी एक रह गया, वो भी ले आए। नहीं नहीं वो ये या, 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 आ जाए। अच्छा, ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, हमने नंबर्स इसीलिए चला दिया, पहले ये लगा लें। अब वो नंबर्स चला रहे हैं हम, ताकि आप ये माइक लगा लें। कुछ भी नहीं है, ठीक है, लगा लें जल्दी जल्दी जल्दी। ये लगा लिया आपने, ये पकड़ लें, हम नंबर हटा देते हैं और मैम आ चुकी हैं। आ गई हूं मैम। अच्छा, अभी ये है कि नंबर्स के हवाले से जो बात बता रहे थे, कुछ एक एक खातून आके लिख रही हैं कि अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और हम बंदे यकीनन बंदे, और ये यकीनन हमने तो देखे इसमें कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात नहीं बताई, जस्ट हम ये बता रहे हैं कि किस नंबर की कौन सी क्या पर्सनैलिटी होती है, हाँ, उनकी खूबियां खामियां या उनमें क्वालिटीज क्या क्या हैं, सिर्फ उनको डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके बारे में आप इस तरह की बात करें। कोई मेंढक है, मसला ये है कि वो काम वो थोड़ा सा मतलब जरूरी होता है कि कुछ लिखना है। अच्छा, उसके अलावा देखें, आप सबको बताते हैं, हम डिफरेंट क्वार्ट्स वगैरह के बारे में भी आपको डिटेल दिया करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। जैसे ये मेरे हाथ में है, ये है रोज क्वार्ट, ठीक है, और ये होता है आपके लव के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पास इसका, मेरे पास उसका नेकलेस भी है, यानी मेरे पास वो लॉकेट की सूरत में भी है, मेरे पास रिंग भी है, इसका ब्रेसलेट भी है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये जब आप रखेंगे तो आप देखिएगा कि ये तो खैर तस्बीह है, ये अभी जो है ये मैंने अभी तस्बीह है, और ये मेरी पर्सनल तस्बीह है, ये जो है ना, ये आपको बूस्ट करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं,
जिस तरह डिफरेंट आपके स्टोन्स होते हैं इसी तरह ये भी होते हैं, और इसमें हमारे पास अच्छा, और इसमें मैं ये भी बता दूं क्योंकि जो हाँ, रियल स्टोन्स हैं, क्योंकि हम वही इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक तस्बीह होती है जो दुनिया में जितने भी रियल अकीक हैं, सच्चे मोती हैं, उनकी बनती है, वो आपके डायमंड और डेट के हिसाब से बनता है। सो आप अपने हिसाब से ये हम आपको देते हैं जब आप हमसे कोई काम करवाते हैं। और टाइगर आई की भी है, टाइगर आई कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, अगर वो अपने पास रखेंगे तो उनके लिए बड़ा लकी होगा। ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स में है, डिफरेंट तरह आप आगे करके दिखा सकते हैं, नजर आ रही, वाओ, ये आप रिंग्स भी ले सकते हैं, इसके लॉकेट्स भी ले सकते हैं। दिखा तो दो लोगों को सही तरह से, मतलब ये देखो, ये एक ब्लू से स्टोन है, इसके साइड पे सब गोल्ड वर्क हुआ हुआ है, 10 कैरेट गोल्ड का ये सारा, एंड स्टोन्स, ये पर्ल है, रियल पिंक, इसमें एक सक्सेस की है, ये अलग अलग नंबर होते हैं, ये सब अलग अलग स्टार्स के लिए है कि आपका कौन सा स्टार है और उसके साथ कौन सा आपके साथ जाता है। ये सुचो मोती है, इसके साइड पे सुचो मोती है, यहाँ जरकून लगे हैं, और ये पत्थर अलग है, ये एक ब्रेसलेट है जो एडजस्टेबल होता है, आप जितना भी इसको छोटा कर लो, जितना भी बड़ा करो, ये आप पहनोगे आपके हाथ में बहुत खूबसूरत लगता है। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं, जो सारी ज्वेलरी मैम की अलग अलग वो है, और अभी बहुत सारे लोग हैं जैसे यूके भी जा रहे हैं तो वहां पर भी लोगों ने पहले से ऑर्डर किया हुआ है, अल्लाह वाले लॉकेट जो है वो भी लोगों ने ऑर्डर किए हैं, जो उन तक पहुंच जाएंगे, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आप हिसार करके भी अपने पास रख सकते हैं और आप उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। आप पर्सनल मैसेज करें, आपको अगर वो चाहिए तो आपको यूके वालों के लिए सिर्फ 2 ही दिन हैं, आप फौरी, मतलब अगर कल तक कर दोगे, क्योंकि तैयार करना, फिर हिसार करना और हर चीज जाहिर है, और स्क्रीन है dorajahaider@hotmail.com, आज ही ईमेल करो, अपनी डिटेल भेजो, हम आपको पीए का नंबर भी देंगे और पर्सनल वो भी आपसे बातचीत होगी। एंड थैंक यू। इसके अलावा दूसरा ये भी है कि अगर जैसे ये शो आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो शो के बाद अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, दोनों चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, शेयर किया करें ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को, अपने जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप टिकटॉक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, जहां भी हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों, जैसे कल भी मुझे कोई कह रही थी कि देखे मैम इतने लोग जो है उन्होंने टैरो कार्ड शुरू कर दिया, आप क्यों नहीं कर रही, मैंने कहा मैं क्यों करूं, मैं 20-25 हजार लोगों के लिए क्यों करूं, मैंने पहले भी जो अपना सिग्नेचर का कर रही हूँ या बाकी चीजें बता रही हूँ वो भी बिला वजह है ना, मैं इतने कम लोगों के लिए क्यों करूं, जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप आगे हमारी वीडियोस को बताते ही नहीं, किसी को पढ़ाते ही नहीं, आपके रेफरेंस से कितने लोग आए हैं जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो जब तक ज्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि हम अपने इल्म को ऐसे जाया नहीं कर सकते ना थोड़े से लोगों के लिए, तो आप लोग करें, हमने तो बड़े अच्छे अच्छे शोज प्लान किए। अच्छा, हम स्टोन्स पे एक नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे पूरे का पूरा, आप क्योंकि हमने आज नंबर्स पे किया है, आपकी कौन सा स्टार है और आपको कौन सा स्टोन पहनना है, जैसे अभी मिसेस रिजवी लिख रही है कि जी नीलम स्टोन भारी होता है, ये भारी नहीं होता, हर किसी को सूट नहीं करता, वो आपकी डेट नंबर नाम के हिसाब से निकाला जाता है, सो नीलम महंगा है, इसको लेते हैं ना तो वो आपको फिर ओरिजिनल नीलम हीरे के बाद उसकी प्राइस इतनी हाई होती, छोटा सा भी लेंगे तो 2-2.5 लाख रुपए का आता है ओरिजिनल, ज्यादातर फेक लोग बेच रहे होते हैं, तो आप लोग जो है वो अगर हमसे ना भी बाय करना चाहें कहीं से भी ले, लेकिन हमारी चीज हिसार के साथ होती है, लाइक आप अगर ये देखो ये रिंग है ना, फर्ज करो ये आपको दिखा रहा हूं मैं यहां से थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूं, आपके करीब करता हूं, ये देखो ये रिंग्स आपको दिखाई दे रही, ये एडजस्टेबल है, बड़ी अंगूठी, छोटी अंगूठी, और इसके बैक पे भी आपको होल नजर आएगा, फ्रंट पे भी बहुत फिनिश नहीं है क्योंकि एक क्लास होता है, फिर इसके ऊपर हिसार करके इसको आप जब डिप वाटर में रखते हो, आपके नाम की होती है, तो फिर आपसे वो ताकतें कोई छीन नहीं सकता है, सो इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप हमसे लेते हो। सो प्लैनेट लव रिलेशन नहीं बेहतर हो रहा, आप बताएं उसके लिए कुछ बताया करें, तो ये देखें हम बता रहे हैं, हमसे बाय करें ले और अपनी जिंदगियों को आसान करें। और ये दूसरा ये भी मैं कहती हूँ कि टैरो कार्ड का जब शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह लाइव शो में टैरो कार्ड का आप क्वेश्चन करेंगे और मैं यहाँ पर आपको बैठ के सब कुछ बताऊंगी, आपकी लाइफ के बारे में एक क्वेश्चन करेंगे और आपको बता दिया जाएगा। दूसरा ये शो आपको पसंद आता है तो हम नेक्स्ट, जैसे मैं कह रही थी कि हम ये बताएंगे, जैसे आपको पता है 4-3-3 स्टार्स के ना एलिमेंट्स होते हैं, 3 है अगर फायर है तो 3 वाटर है, 3 एयर के हैं और 3 अर्थ के हैं, तो हम उनकी क्वालिटीज भी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उनसे बचना कैसे है। मैं बताएंगी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो अर्थ वाली हूँ, मैं भी अर्थ वाली हूँ, ये बताएंगी, वो प्रोग्राम ये करेंगी, वो बिल्कुल बताएंगे। जैसे आपको पता है जो आप हमेशा पूछते हैं ना किसका किसके साथ रिलेशन, जैसे शादी किसके साथ बेस्ट रहती है, तो हम आपको हमेशा बताते हैं कैप्रिकॉर्न की टॉरस के साथ वर्गो के साथ जबरदस्त शादी है, किस लिए है, क्योंकि ये तीनों अर्थ साइन के हैं,
वर्गो भी अर्थ साइन है, कैप्रिकॉन भी और टॉरस भी, ये तीनों अर्थ साइन के हैं। इस वजह से एक दूसरे की आदत को पहचानते हैं, अप डाउन्स भी अगर आते हैं तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोबारा से रिलेशनशिप इनके बेहतर हो जाते हैं, मोहब्बतें दोबारा से जुड़ जाती हैं, शादियां फिर से बेहतर हो जाती हैं, लड़े मरे कुछ भी करे फिर भी ठीक हो जाते हैं। कैप्रिकॉन को सबसे ज्यादा टॉरस समझता है, इन दोनों का रिलेशन बहुत बेहतर हो, इसलिए आपने देखा होगा कि कैप्रिकॉन के ज्यादातर दोस्त जो हैं वो टॉरस होते हैं और टॉरस के ज्यादातर दोस्त जो हैं वो कैप्रिकॉन होते हैं। औलादों में भी अगर माँ है, माँ का स्टार कैप्रिकॉन है तो उनकी जो बच्ची टॉरस होगा, उनका बेटा या बेटी, उसके साथ उनका रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बॉन्डिंग होती है। अच्छा, कैप्रिकॉन की जौजा के साथ भी बहुत अच्छी होती है और लिब्रा के साथ भी बहुत अच्छी होती है, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि फायर वाले जो हैं, एलिमेंट वाले हैं, उनसे कैसे बचना है या उनसे मोहब्बत कैसे करनी है, उनको कौन सी चीज पिंच करती है। जैसे मैं बहुत दफा कहती हूँ कि टॉरियन है तो उनसे जो है ना आप बहस मोबाइल से बचें, खासतौर पर जब अगर वो टीवी देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, तब तो उनको छेड़ना नहीं है, और उनके साथ ना कोई बात अगर है तो उनको बहस में ना पड़ा करें, उससे वो चिढ़ते हैं। तो इस तरह की भी आपको क्वालिटीज बताएंगे ताकि आपको लोगों को ज्यादा समझने का मौका मिले, आपको पता चले आपका जो स्पाउस है, आपका जो बिजनेस पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, इवन आपकी सहेली, आपका दोस्त। लड़कों के साथ भी ये मसाइल होते हैं ना, इतनी अच्छी दोस्ती है पर क्या वजह होती है, ये किस बात पे अचानक चिढ़ जाता है, खुद से मुंह बना लेता है, खुद से दोस्ती तोड़ देता है, इतनी पुरानी दोस्ती थी, तो वो कहीं ना कहीं वो जो उनका एक वीक पॉइंट होता है या कोई चीज जो उनको पिंच करती है, और आप अगर कह देते हैं तो वहां पर दोस्तियां खराब हो जाती हैं, वहां रिलेशन खराब हो जाते हैं, वहां बिजनेस पार्टनर, अगर आपने करोड़ों रुपया भी किसी बिजनेस में लगाया और आपके बिजनेस डूब जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है। तो हम इसलिए आपको ये चीजें बताते हैं ताकि एक दूसरे को आप मिजाज को समझ सकें और जो उनको चीजें पसंद है वो वाला काम करें, वो वाली उनकी तारीफ कर दें या उस चीज को बूस्ट कर दें, और जो चीजें वो पसंद नहीं करते कोशिश करें कि वो वाली चीजों से उनको तंज ना दें, ताना ना दें या उनको चिढ़ाएं ना उस बात से, ताकि रिलेशन ज्यादा देर तक कायम रहे। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अब इजाजत चाहेंगे आपसे इंशाल्लाह, तो हम इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारा बहुत सा प्यार और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।